Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya dreams of my own. I've been working from home, I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. अबे यार हाँ ये रहा। हाँ हेलो 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 गाइस, सबको स्वागत है लाइव स्ट्रीम पे। थैंक यू सो मच जॉइनिंग, वेलकम टू द स्ट्रीम एवरीवन। अभी सही पढ़ता हूँ तुम लोग कमेंट, एक बार गाना बज जाए। ओके ओके ठीक। हेलो मैग्मा, यो व्हाट्स अप एवरीवन। हेलो तन भाई, कैसे हो? कैसे ना अगर भाई, एकदम बढ़िया। आप बताओ यार, गॉड ऑफ वॉर 4 खेलो पीसी भाई? गॉड ऑफ वॉर 4 है नहीं ना मेरे पास, बट चलो मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मैं ना एक्चुअली आज पोल डालने वाला था बूया पे ना, हम सब लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि यूट्यूब पे कौन सा गेम खेला जाए। तो एक भाई ने बोला कि यार गॉड ऑफ वॉर खेलो, बट वही है ना, गॉड ऑफ वॉर सबने देखा हुआ है, सबने शायद खेला भी होगा, तो वो मेरे को ना इतना लगा नहीं कि गॉड ऑफ वॉर खेलना चाहिए। फिर दिमाग में आया कि कोई और गेम ट्राई करेंगे, शायद से वो एल्डर रिंग आया ना रिसेंटली, वो ट्राई कर सकते हैं। शंपा कह रहे हैं फर्स्ट लाइक, ये अपना आस्क है क्या? एक बार मेरे को कंफर्म कर दे यार जल्दी से, अपना भूया वाला आस्क है क्या? हितांश ने, अरे हितांश तेरे को 2 महीने हो गए चैनल पे, ये क्या जादू है, ये कब हुआ? मेंबर फॉर 4 मंथ्स, क्या बात है प्रियांक, ओपी यार ओपी। हेलो प्रियांक हेलो। अरे DSLR लगा लिया क्या, क्या क्वालिटी आ रही है? नहीं नहीं आज मैंने सफेद कपड़े पहने, अच्छी दिख रही है यार। अरे राहुल उस दिन याद है तेरे को ब्लैक ब्लैक सी हो गई थी स्क्रीन पूरी, मतलब ब्लैक ब्लैक नहीं, मैंने बोल रहा था ना उस दिन कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्वालिटी में यार, अच्छा नहीं दिख रहा। बट आज देखो यार। टीजे की मेरे भाई यार हेलो कैसे हो, बस स्पैम मत करो यार, हाय हेलो लिख दो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्या हाल है? अरे कृष्णा एकदम बढ़िया यार, और बताओ क्या हालचाल? देवज भाई, अरे देवज भाई इन द चैट, बहुत दिनों बाद। और बताओ देवज भाई कैसे हो? थैंक यू गर्व भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एलीट मेंबरशिप लेने के लिए, स्वागत है यार फिर से आपका चैनल पर। कितने महीने हो गए होंगे यार गर्व भाई, एक बार चेक करना यार, आपको तो 22-23 महीने हो गए होंगे यार मेंबरशिप लेते लेते चैनल में। आज मस्त क्वालिटी है ना राहुल? पता नहीं यार उस दिन, पता नहीं तूने कुछ कराया था यार, उसकी वजह से ही हुआ था देख, वरना ऐसी क्वालिटी आती इतनी क्लियर और इतनी क्लीन, अच्छी लग रही है ना। आगे से ना कुछ ट्राईपॉड लगाऊंगा यार कैमरा के लिए, अभी ना फिक्स नहीं है ढंग से। यस आई एम आस्क, मेरे को पता ही था ये अपना आस्क ही है। फैक्ट्स वाले चैनल कब क्यों लगाया है? फैक्ट्स वाला चैनल कब GM क्यों लगाया है? फैक्ट्स वाले चैनल विश्वनाथ भी समझ नहीं आया क्या कह रहे हो यार, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। फैक्ट्स वाले चैनल कब GM लगाया है? GM क्यों लगाया है? फैक्ट्स वाला चैनल कब GM क्यों लगाया है? फैक्ट्स वाले चैनल का GM क्यों लगाया है? मैंने कुछ लगा रखा है क्या? फैक्ट्स क्या है भाई पहले तो ये बताओ प्रॉपरली, मेरे को समझ ही नहीं आया यार। फ्री फायर प्ले, ठीक है फ्री फायर तो नहीं खेल रहा यार मैं, ये तो हम खेलेंगे यूरो ट्रक सिमुलेटर 2, आज उसमें ट्रक चलाएंगे, नई प्रोफाइल बनाऊंगा। ATS में तो ग्राइंड खत्म कर दिया मैंने, अब ETS में टाइम आ चुका है एक बार ETS में, वैसे मैंने पहले ग्राइंड कर चुका हूँ, उस टाइम पे मेरे पास ओरिजिनल ETS भी था और उस टाइम मैं स्ट्रीमिंग भी नहीं करता था, बट ना वो मजा नहीं है, अब मेरे पे प्रॉपर गेम है, सारे DLC हैं। मैं ठीक हूँ आप बताओ? अरे देवज भाई एकदम बढ़िया, बहुत दिनों बाद दिखे यार, बहुत ही दिनों बाद, घर में सब ठीक ठाक? हेलो सेठ क्या हालचाल? यस आई एम आस्क, मैं पहचान गया भाई आस्क, आजकल तू उस पर नहीं दिख रहा, पूजा पे नहीं दिख रहा, क्या है सब ठीक ठाक है? ETS खेल रहे हो? अरे मल्टीप्लेयर तो खेल ही नहीं सकते, चलो आप खेलो मल्टीप्लेयर, नहीं खेल सकते ETS में? किसने बोला राहुल क्यों नहीं खेल सकते? मैं तो नई प्रोफाइल बना रहा हूँ ना, उसमें मल्टीप्लेयर एनेबल नहीं होता क्या? पता नहीं यार।
अब ATS 2 ग्राइंड चालू भाई। हाँ कृष्णा, ATS की ग्राइंड पूरी खत्म कर दी मैंने बहुत ही जल्दी, उसमें पैसा बनाया लिटरली आई थिंक 2 महीने के अंदर अंदर में मैंने उसमें मिलियंस बना लिए। मेरा गोल था कृष्णा उसमें 50 ट्रक्स कर लिए, पर्सनल ट्रक खुद का पूरा मॉडिफाई कर लिया, 50 ड्राइवर्स हायर कर लिए, उसके ऊपर से आई थिंक 4 या 5 मिलियन डॉलर्स ला के छोड़ भी दिए उसमें, तो अपना हो गया उधर का ग्राइंड यार। फैक्स वाले चैनल का बैकग्राउंड क्यों लगाया है? फैक्ट्स वाले चैनल का बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों लगाया है भाई? कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, एक बार मेरे को सुनने दो, एक बार मेरे को ना भाई कंफर्म करने दो कि कौन सा यहाँ पे, आई थिंक वही गाना बज रहा है यार, गाने का नाम क्या था, मेरे को अपनी स्ट्रीम खोल के गाना सुनना पड़ेगा भाई कौन सा गाना बज रहा है। अच्छा लाइक एक तो बजना, अच्छा ये बज रहा है क्या? रुको मेरे को चेक करने दो भाई, मैं आपको कंफर्म करता हूँ विश्वनाथ भाई। मेरे पास ये जो साउंड ट्रैक है ना, ये कहाँ गया भाई, ये पड़ा है आई थिंक चैनल स्टफ में पड़ा हुआ, ये नहीं चैनल स्टफ नहीं, स्ट्रीम ओवरलेज में, और ये है साउंड, बस कंफर्म करने दो। इवान भी स्वेटर्स तो नहीं है, ये सवाल था यार, व्हाट आई वांट, नहीं ये व्हाट आई वांट भी नहीं है, एनीवेज ये जो बैकग्राउंड में जो भी बज रहा है ना भाई, ये फैक्ट्स वैक्स है, जो भी आप चैनल की बात कर रहे हो उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ये NCS है, नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग है, इसे कोई भी बजा सकता है, आप भी बजा सकते हो, मेरे जैसे हजारों लोग बजा रहे हैं, एंड जिस बंदे का या जिसका भी आप नाम ले रहे हो ना फैक्ट्स वाला चैनल, मुझे नहीं पता तुम किसका नाम ले रहे हो, बट उस बंदे ने भी ये गाना इसीलिए लगा रखा होगा क्योंकि ये नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक है, इससे कॉपीराइट नहीं आता, यूट्यूब का क्लेम नहीं आता है, तो ये रीजन है, ये कोई भी बजा सकता है भाई, ये तो फ्री वाले अवेलेबल है, इसको ऐसे मत सोचा करो कि ये फैक्स वाले बंदे का गाना है कुछ, नहीं भाई उसका तो है ही नहीं पहली बात, इसका ओनर कोई और होगा जिसने ये गाना बनाया होगा, वैसा मत सोचा करो। और भाई कुछ ही कैसा है, 2 years 7 months 15 days मेंबरशिप को आ रहा है घर भाई, 2 साल 7 महीने भाई साहब, यार आप तो भूया से भी पुराने हो, भूया भी नहीं आया होगा एग्जिस्टेंट में इतना, मतलब इतना पहले, भूया भी अभी तो 1.5 साल पुराना ही है, नहीं 2 साल पुराना है भूया भी, भूया से भी पुराने। आजकल आप इतना यूट्यूब पर नहीं आते क्यों? दिपेश भाई मैं भूया पे स्ट्रीम करता हूँ ना डेली, मेरा टाइम बना हुआ है, अपने जितने भी यूट्यूब वाले बंदे सारे वहां मिल जाते हैं सुबह सुबह, तो वहां पे मैं 11 बजे स्ट्रीम करता हूँ, 11 से 12, 12 से 1 या 2 बजे तक, तो वहां पे स्ट्रीम करते हैं, और इवेंट में तो वहां पे 10-10 घंटे की स्ट्रीम हो जाती है, यूट्यूब पे इसलिए नहीं टाइम मिल पाता आने का, तो ये सीन है भैया। आजकल सुबह फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, सो मॉर्निंग पर भूया पे इनएक्टिव हूँ, बट टुमारो पक्का आऊंगा। ओके आस्क, कोई नहीं यार अपने एग्जाम्स पे फोकस कर। यो उसके भाई, अरे अरुण भाई क्या हालचाल, वेलकम टू द स्ट्रीम। मैंने एक चीज डिसाइड की है, मैं कल एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा और उसमें सबसे पूछ लूंगा भाई कि कौन सा गेम खेला जाए यूट्यूब पे, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर पता ही है सबने देखा हुआ है, एल्डर रिंग मेरे पे है नहीं, और कोई और गेम पूछेंगे प्रॉपर कि क्या खेलना चाहिए। KGF 2 मूवी कब आ रही है? अरे अंशु भाई स्वागत है, पहले तो आपका स्वागत करते हैं स्ट्रीम पे। और भाई हेवन, हेलो दीप, कैसे हो? KGF का पता नहीं यार, ट्रेलर तो आ गया था उसका, टीजर आया था कुछ अच्छा। हाँ विश्वनाथ भाई ऐसा होता है, आप भी बजा सकते हो, अगर आपको ये गाने सुनने तो आप भी सुन सकते हो, ये सब फ्री वाले गाने होते हैं, NCS म्यूजिक बोलते हैं, नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग्स होते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होते हैं। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे जाओगे ना, ये बनाए ही गाने उनके लिए जाते हैं, जैसे जो लोगों के पास ओरिजिनल गाने यूज करने की परमिशन नहीं होती ना, मूवीज के गाने अगर चला दोगे तो मूवी वाले फिर वो दे देते हैं, क्लेम दे देते हैं। तो मैं चलता हूँ प्राइवेट विंडो में, अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे यूट्यूब पे गए, अब NCS अगर लिखूंगा ना मैं, NCS सॉन्ग्स, तो ये स्ट्रीमर लोगों के लिए, कंटेंट क्रिएटर लोगों के लिए ही होते हैं गाने, ये फ्री में कहीं भी यूज कर सकते हो, सारे गाने फ्री होते हैं। अरे भाई वाह, बट एड आ गई। PC क्या कह रहे हो यार? अरे सेम जॉब ले सकते हैं क्या बिना पर्सनल ट्रक के? राहुल मेरे पे भी ट्रक नहीं है, आई थिंक ले सकते हैं। चलो गाइस गेम स्टार्ट करते हैं, ले सकते हैं यार, यहाँ पे ये सीन नहीं है ना IRL चेंज करने का, बढ़िया है। अपन खेलने वाले हैं आज योरा ट्रक सिमुलेटर 2। गाने वाने लगाऊं क्या मेरी iTunes वाली प्लेलिस्ट? लगाते यार आज गाने लगा के ट्रक चलाएंगे, वरना चलाएंगे नहीं।
क्या नाम था उसका, एप्पल म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक खुल जाइए प्लीज। हे डेविड व्हाट्स अप, वेलकम टू द स्ट्रीम। रेजिडेंट ईविल खेलो, अरे पीसी रेजिडेंट रेजिडेंट विलेज वो भी नहीं है मेरे पे यार, पता नहीं क्यों मेरे को कोई पुराना गेम खेलने का मन कर रहा है, नए गेम्स तो मतलब फील ही नहीं आया। पुराने गेम्स मतलब वॉच डॉग्स लीजन हो गया, असैसिन्स क्रीड यूनिटी हो गया, असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट हो गया, ये पुराने वाले गेम्स खेलने का मन कर रहा है यार। अरे मेरी प्लेलिस्ट कहाँ है भाई, सॉन्ग्स प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट कहाँ दिखाता है, मैंने दो प्लेलिस्ट बना रखे हैं। ये रखिए यार, मेरे गाने ना सैड वाले हैं थोड़े आधे, समझ नहीं आ रहा बजाऊं कि नहीं बजाऊं। हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से बजाएंगे उसके बाद देख लेंगे, सारे गाने बढ़िया हैं। खास बंदे, जट हुंदे आ, टक्कर, ये सारे गाने ठीक हैं वैसे। एक्सक्यूजेस से शुरू करेंगे, एक्सक्यूजेस ठीक है, तो अभी के लिए इसको साइड में कर देता हूँ और एक्सक्यूजेस से बजाएंगे ना। अभी गेम भी लॉन्च करते हैं, वैसे एक प्रोफाइल बनाई थी मैंने, इसमें मन नहीं किया लेकिन खेलने का। अरे मेरे पास ETS 2 का DLC नहीं है यार, कोई नहीं हेवन सस्ते होंगे तो ले लियो। 8 AM टू 2 PM मेरा जॉब है तो बुआ पर आपका स्ट्रीम नहीं देख पाता, वही ना देवज भाई मुझे पता है सुबह के टाइम आधे बच्चे स्कूल जा रहे हैं आजकल, कोई बिजी होता है तो कोई नहीं यार इट्स ओके। इवेंट डेज में मैं सुबह 5 बजे आ जाता हूँ, तो अगर आपको ट्राई करना है कभी 5-10 मिनट देखना है यार तो तब आ सकते हो आप। तो इवेंट डेज इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव रहो, उसके लिए मैं बताता रहता हूँ कि कब इवेंट आने वाला है भूया पे। NFS मोस्ट वांटेड, कृष्णा NFS मोस्ट वांटेड देख लेंगे यार। एपेक्स लेजेंड और दीपांजन भाई के हालचाल। एपेक्स लेजेंड यार मेरे को अच्छी नहीं लगती, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो गेम मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों मेरे को उस गेम को देखने का भी मन नहीं करता। खेलूँ तो शायद मजा आने लग जाए बट उस गेम को यार सही में खेलने का फील ही नहीं आता, गलत भी हो सकता। चलो गाइस मैं न्यू प्रोफाइल बनाने वाला हूँ, ये पुरानी वाली प्रोफाइल गई भाड़ में, तो हम बनाएंगे मैनेज प्रोफाइल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये तो मेरी पुरानी वाली प्रोफाइल है इसको हम डिलीट करते हैं ठीक है, और ऐसी बनाऊंगा दोबारा टेंशन मत लो। ये बनाते हैं हम न्यू प्रोफाइल, आजा भाई नाम नाम कुछ और रखते हैं, स्कल क्रशर रखते हैं, और यहाँ पे फोटो वो अंकल जी की लगाएंगे, कहाँ गए वो अंकल जी, ये रहे सेंटा क्लॉस। जोलो आईडी कह रहे रिमेंबर मी, जोलो भाई थोड़ा हिंट दो यार मेरे को। अपन सोच रहे हैं इस बार डैफ का ट्रक लेके चलो पहली ड्राइव पे, डैफ का ट्रक ट्राई करते हैं यार, वैसे ही नया वाला ट्रक है डैफ का बट मन नहीं कर रहा इसको चलाने का, चलो ले चलते नए वाला ले चलते। कंपनी का लोगो हम रखते हैं ये टायर वाला, और कंपनी का नेम बताओ यार क्या रखा जाए। हे भावेश कौन भाई बना लो, राहुल पहले तो मेरे को वो छोटा मोटा एक राइड करना पड़ेगा ना, नई प्रोफाइल बना रहा हूँ। कॉर्पोरेट स्ट्राइक आता है तो पेमेंट के लिए एलिजिबल होती है वीडियो, अच्छा राहुल से पूछो, ठीक है पूछो। साउथ में तो बीस्ट ही नंबर वन रहेगी, रेडी है भाई, बीस्ट ही नंबर वन रहेगी रेडी भाई। क्या अंशु भाई किसकी बात कर रहे हो आप, YT का लोगो कहाँ से बनाया है। PC एक हमें ना इमेज मिली थी, ऐसे पूरी एक प्रॉपर इमेज थी, दिखाऊं क्या तुमको, रुको मैं दिखाता हूँ, तो हमने उसको खुद एडिट किया था कस्टम, रुको मैं दिखाता हूँ, ये वाली इमेज देख रहे हो, इसमें यार कहीं पे तो था, नहीं ये नई वाली इमेज यार वो हाँ ये रही, ये देखो उनको दिखाता हूँ ध्यान से, ये वाली ध्यान से इमेज देखना, ये फोटो देख रहे हो, ये वाली फोटो तो ये मेरे को इंटरनेट से मिली थी, ये फोटो मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था कि स्कल नाम की मतलब कुछ इमेजेस अगर मिल जाए तो ये फोटो मिली थी हमें, और उसमें ये SC नहीं लिखा हुआ था, ये बाद में हमने डाला है, उसमें W लिखा था, ओरिजिनल इमेज नहीं है ये भी प्रॉपर, तो फिर हमने सोचा कि यार ये इतनी अच्छी लग नहीं रही, फिर इसका जो ये मास्क है ये हमने काटा, यहाँ पे W लिखा था उसको हटा के SC लिखा, ये आंखें मैंने डाली ये आंखें नहीं थी, और थोड़ा बहुत सारी चीज़ें, इसकी टोपी देख रहे हो यहाँ से ख़राब है, अगर ध्यान से देखो ना यहाँ पे टोपी ख़राब है, टोपी वोपी बहुत टचअप किया, और फाइनली ना एक ये वाली इमेज आई थी सामने, अरे ये तो PNG है रुको मैं ओरिजिनल दिखाता हूँ, ये फाइनल इमेज बन के आई थी, तो ये समझ लो मैंने ही बनाई थी पूरी बैठ के, और राहुल भी था थोड़ी बहुत, राहुल ने हेल्प की थी, तो ये सब शेडो वेडो देख रहे हो ना पीछे शेडो डाला, ये सब खुद ऐड किया था। ETS 2 वर्जन लेटेस्ट वर्जन है साहिल भाई, आपका PC कौन सा है। आर्यांश चेक द डिस्क्रिप्शन, मैंने वहां पे सब दे रखा है, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। कश्मीर फाइल्स ने बच्चन पांडे को फ्यूज कर दिया
अरे हाँ मैं देखा यार, 300 करोड़ के पास जा रही है अंशु भाई, है काफी ऊपर जा रही है। तो ये था सीन, ये देखो ये एससी अपन ने डाला, ये आंखें डाली, उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखो मास्क कितना प्यारा लग रहा है यार, पहले ऐसा नहीं दिख रहा था मास्क, पहले वो लंबा सा था पूरा। आई थिंक मैं अगर ओरिजिनल इमेज अगर सर्च करने जाऊँ ना गूगल पे तो शायद मिल भी जाएगी, दिखाता हूँ। जो ओरिजिनल इमेज हमने उठा के उसको मॉडिफाई किया था कल, मास्क वॉलपेपर अगर मैं लिखता हूँ तो मैं 5 महीने के में गेमिंग पीसी लेने वाला हूँ दीप भाई। चलो तब तक आप एंड प्ले का क्लाउड गेमिंग ट्राई कर सकते हो। थैंक यू विश्वनाथ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द 29 का डेडली महादान। अभी आपके लिए एक मस्त गाना बजेगा, बैठ के सुनना। ये देखो मैं इस इमेज की बात कर रहा हूँ, ये इमेज हमने नेट से उठाई थी, ठीक है, देख रहा हूँ कितनी डिफरेंट है, ये इमेज थी। इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, कई बार किसी को दिखाना पड़ जाता है ना। देखो ये ओरिजिनल इमेज थी जिसको उठा के पूरा मॉडिफाई किया था, ठीक है। 5 मिनट में गेमिंग, अच्छा दीप भाई अगर 5 महीने बाद गेमिंग पीसी लेने वाले और कुछ गेम्स पहले ही ट्राई करना चाहते हो, तुम एंड प्ले की क्लाउड एंड प्ले का क्लाउड गेमिंग ट्राई कर सकते हो। 3,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई। वो चीज़ भी अब इंडिया में आ चुकी है, इंडिया का फर्स्ट क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है एंड प्ले, मैंने सोचा बता दूं, ठीक है। अब साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या एडिट किया था। बस ये इमेज है, ध्यान से देखना तुम लोग, ठीक है। इसी के बगल में मैं ये वाली लगा, ये देखो कितना फर्क है, दोनों इमेज में तुमको काफी फर्क दिख जाएगा। थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट, अभी देखो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। देखो ये वाली इमेज इंटरनेट से उठाई, ये वाली मैंने खुद बनाई, मतलब पूरा इसमें करने के बाद। अभी देख सकते हो कितना डिजाइन एलिमेंट हमने चेंज किया था, आंखें नहीं थी, डब्ल्यू था। हाउ टू ज्वाइन ETS 2 मल्टीप्लेयर, साहिल अगर मैं मल्टीप्लेयर का कॉन्वे बनाऊंगा तब आप ज्वाइन कर पाओगे। थैंक यू विश्वनाथ भाई अगेन फॉर द 29 का डेडली महादान, थैंक यू सो मच। आई एम मिनाल, ओहो मिनाल है क्या, याद है मिनाल मेरे को, मिनाल याद है मेरे को यार, तुम्हारे लोगों को NFT करके सेल करूंगा। अरे भाई के भाई थोड़ा बहुत चिल्लड़ हमें भी दे देना यार। वैसे ये वाला ऑलरेडी कॉपीराइटेड लोगो है तो इसको आप NFT में नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा मॉडिफाइड है। OP एडिटिंग, थैंक यू सो मच यार। सही बताऊँ ना तो ओरिजिनल से ज्यादा बेटर मुझे अपना वाला रिजल्ट अच्छा लगा, क्योंकि इसमें देखो टोपी ओपी सही की, शेडो डाली अपन ने, ऑलमोस्ट 100% तो कुछ नहीं किया, बट स्टिल यार काफी काफी चीजें अपन ने की थी इसमें यार। मास्क छोटा करना सबसे डिफिकल्ट टास्क था, और मास्क में एक प्रॉपर इफेक्ट देना शेडो का, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, बट हो गया। तो ये समझ गए, चलो तो मैं इसको बंद करता हूँ, गेम खोलता हूँ यार, ऐसे बकबक करता रहूंगा तो यहीं रह जाऊंगा, और वापस चलते हैं गेम, ठीक है। तो अब कंपनी का नाम हम क्या रखें यार, कंपनी का नाम अपन रखते हैं अंकल जी ट्रांसपोर्टेशन, नहीं यार संता यार, नाम सजेस्ट करो मेरे को। हे हार्दिक, हेलो हेत, शुभ के सॉन्ग्स OPS कलवा यार, मेरा फेवरेट एलिवेटेड है, तभी बजाऊंगा मैं ट्रक चलाते हो। बहुत दिनों बाद लाइव आए हो उसके, हाँ ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद आया हूँ मैं यार, ऑफ ले रहा था, थोड़ा रिलैक्स ले रहा था स्ट्रीमिंग से, बुया पे भी इसीलिए मैंने थोड़ी कम स्ट्रीमिंग की, 2 दिन वहाँ भी स्ट्रीम नहीं किया, कल भी नहीं स्ट्रीम करने वाला बुया पे शायद से, तो ऑफ ले रखा था मैंने। साइड से स्ट्रेच्ड है आपका लोगो, साइड से स्ट्रेच्ड है आपका लोगो, हमने स्ट्रेच किया था क्या राहुल? डिजाइनर अवार्ड, अरे वॉरियर भाई कैसे हो, बड़े दिनों बाद दिखे, वेलकम टू द स्ट्रीम। ओहो कुलवीर इन दी चैट वॉइस, मैं याद तो आ रहा है हल्का हल्का, ये कौन सा बंदा था यार, कोई था तो सी, मेरी स्ट्रीम पे आता था एक बंदा, याद तो आ रहा है हल्का हल्का, बट पूरा याद नहीं आ रहा है। कल एंटरप्राइज स्पेलिंग तो सही लिखी था मैंने, पता लगा मैंने गलत लिख दियो, यू स्टीम क्लाउड, ठीक है। चलो भाई लोगो, मैं फीमेल क्यों बनाऊँ, फीमेल वाला कौन सा होता है, मेल फीमेल, मेल फीमेल भाई लोगो यार, मेरे हिसाब से तो मेल यही होता है यार और ये फीमेल होता है ना। हाँ वो देखो ना फोटो चेंज हो गई ना मेल पे, अभी मैं एक चीज करता हूँ, अगर मैं फीमेल पे सिलेक्ट करता हूँ हाँ तो लड़की आएंगी ना, ओके चलो फिर सही लोगो था। तो कहाँ है संता वाले अंकल, संता ठीक है,
cannot create stream profile with the given name because there is already stream profile with that name. Oh, Skull Enterprise Transportation. Skull Transportation कर देते हैं फिर. Skull Transportation. TRANSPORTATION. Transportation की spelling ठीक है? सही है. गलत भी होगी तो सही. अच्छा यार वो इसका नाम चेंज करने के लिए कह रहा है स्कल क्रशर 14 कर दूं. हाँ अभी बन गया. अब इसको हम कंट्रोलर पे खेलेंगे. अरे यार मैं कंट्रोलर ही लेके आया. रुको गाइस मैं एक सेकंड में कंट्रोलर लेके आया. चार्जिंग पे था यार. गर्ल एंड सन्स कर दो. अरे सन्स तो है ही नहीं अभी तो. फादर भी नहीं है प्रॉपरली. हम अभिनव भाई कह रहे हैं जल्दी करो स्टार्ट. हाँ थोड़ा लेट हो गया यार. अभिनव भाई सही कह रहे हैं भाई जल्दी करते हैं. चलो गाइस कंट्रोलर ले आया. कंट्रोलर सिलेक्ट करते हैं. सिंपल ऑटोमेटिक फिनिश विजर्ड हो गया. अंग्रेज अंकल है. अंग्रेज अंकल कहाँ से? अंग्रेज अंकल हाय. मैं कहाँ आ गया आज? राज वंशी भाई आप आज हमारी स्ट्रीम पे आए हो. स्कल क्रशर गेमिंग की स्ट्रीम पे तो आपका स्वागत है. जुनिया साहब भी है क्या चैट में? कमेंट थोड़ा छुप सा गया है. चिकनी चमेली चुपके आ रहा है यार. ये बुली करना नहीं छोड़ेंगे. स्कल ट्रांसपोर्ट स्टार कर दो लुलू भाई. वैसे कल मेरा बर्थडे है. देखो ये बर्थडे है कल. अरे क्या बात है क्या बात है भाई सर. कल वैसे मैं शायद यूट्यूब पे स्ट्रीम करूंगा. कल यूट्यूब पे भी करते हैं भूया पे भी करते हैं. कल कुछ नया गेम खेलते हैं. फादर तो हो भूल गए वो बच्चे जो. ओ माय गॉड. नहीं 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 यार तुम भाई जीवित व्यक्ति के फादर बना जाता है ना. हे भावेन इतना टाइम क्यों ले रही है? फर्स्ट टाइम के हिसाब से टाइम ले रहा हूँ. अमेरिका वाला नहीं भाई जी. अभी भाई वो उसमें तो खेल लिए ट्रक वर्क चला लिए बहुत. अब हम यूरोप पहुंच गए हैं. अब हम यूरोप में ड्राइविंग करेंगे. ऊपर से स्टार्ट करता हूँ मैं. सोच रहा हूँ नॉर्वे से स्टार्ट करूंगा इस बारी. ठीक है नॉर्वे पे कंफर्म करते हैं. डू यू वॉन्ट वॉक थ्रू? नहीं भाई हम प्रोफेशनल हैं. लोड हो गया उससे. हेलो भाविन. ओए होए नॉर्वे में पहाड़ियां ही पहाड़ियां आते ही. क्या बात है. मजा आएगा नॉर्वे में चलाने में. ये गेम का दुनिया में आ गया मैं. अच्छा नहीं नहीं यार ये गेम की दुनिया अभी अंदर थोड़ी घुस गया यार गेम के. सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे अपनी सीट और थोड़ा इसको वाइड व्यू करते हैं. वाइड व्यू मजा आता है ना. थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है. और थोड़ा सा इसको खिसका देता हूँ. वाह ठीक है इसको थोड़ा अप करते हैं. सीट पूरी नीचे है. स्टेयरिंग व्हील को थोड़ा नीचे करता हूँ. बहुत ऊपर था. थोड़ा नीचे करते हैं इसको और थोड़ा जूम इन भी कर. ठीक है इतनी ठीक है सीट. इससे ज़्यादा अपन एडजस्ट भी नहीं कर सकते. ये भी सही है. सब कुछ सही है ना. तो ये आई थिंक मेरी पहली जॉब है यार. ये जॉब करनी पड़ेगी मेरे को. उसके बाद ही मैं खेल पाऊंगा ढंग से. आवाज आ रही है गेम की? ये भी बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी. ये पे चल के इतना कर देते हैं. गाइस कंफर्म कर देना आवाज अगर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही. ठीक है ओ काफी लाउड आ रही है. ये कैसी सीट है? रुको रुको ये कैसी सीट है इसकी? अच्छा फोल्ड हो रखी है बगल वाली सीट. ओ भाई अरे ये कपलिंग कैसे हो गई? ये आई थिंक ट्यूटोरियल मेरे को छोटा सा करना पड़ेगा. उसके बाद ही मैं अपनी एक लंबी राइड पर जा पाऊंगा. आ रही है. ओके ओके भाविन भाई बढ़िया यार. इंडिकेटर दिया मैंने जला कि नहीं जला? जल गया जल गया. इंडिकेटर की आवाज नहीं आ रही बस.
इतना अजीब सा फील हो रहा है अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर खेलने के बाद ETS खेलने में यार। चैनल प्रमोट नहीं कर रहा है यूट्यूब तुम्हारा डाउन जा रहा है, चैनल प्रमोट नहीं कर रहा यूट्यूब तुम्हारा डाउन जा रहा है। अरे सैम भाई मैं यूट्यूब कर ही नहीं रहा यार, कुछ नया बताओ यार मेरे को भाई। मैं तो यूट्यूब अब वैसे करता हूँ, ओकेशनली करता हूँ, मैं मेनली जो करता हूँ भूया पे स्ट्रीम करता हूँ यार। आप देखो ना मैं 6 दिन बाद तो खुद लाइव आया हूँ। थैंक यू कर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द 29 का डेडली महादान। बट इस बात की खुशी है कि अभी भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, इवन दो इतने ज़्यादा लोग नहीं है चैनल पे, बट स्टिल जो अभी भी सपोर्ट देते हैं। कल आके पहले विश कर लेना, मैं अगर देख नहीं पाया तो बाद में देख के इंस्टा स्टोरी कर ले। ठीक है ठीक है। हाय ब्रो, मैं हूँ रंजन और मैं सॉन्ग स्ट्रीम करता हूँ, पर आज आपका लाइव मिल गया मेरे को। अच्छा पहली बार आए हो मेरी शिप पे यार, मतलब रेकमेंड कर रहा है यूट्यूब, अच्छी बात है, मेरा गेम भी डाउनलोड हो गया, नाइस यार। यूजे क्रिएशन कह रहे हैं याद हूँ मैं, यूजे क्रिएशन में गिव मी सम हिंट यार। यूजे तो मेरे को थोड़ा नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा यार। चलो तो ये मेरी पहली जॉब होने वाली है गाइस, तो हम एक काम करते हैं नए वाले ट्रक में चलें, इसमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे ना मैं उसमें जाऊँगा। सबसे ज़्यादा पैसे इसमें मिल रहे हैं 15 किलोमीटर के, तो काम करते हैं हम चलाते हैं ये वाला ट्रक, चलाते हैं स्कानिया वाला, इसमें मज़ा आएगा चलाने में, स्कानिया का ट्रक बहुत अच्छा है। यूट्यूब को चिकने नहीं पसंद। वाह, तो उसके लिए तो टिकटॉक था ना, वो तो हो गया बंद, अब क्या करूँ मैं, देश छोड़ दूँ, दूसरी कंट्री में जाकर टिकटॉक पे जाऊँ अब। चलो इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा अपने हिसाब से। मेरे को ना पता नहीं ये बहुत अच्छा लगता है जब ट्रक नीचे होता है ना, मतलब सिटिंग जो नीचे होती है बहुत सही लगती है यार। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इतना भी नीचे नहीं, ये और ट्रक है, स्टीयरिंग व्हील तो पूरा ही नीचे कर देते हैं, सही है अभी सही है। ठीक है, लाइटें ऑन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज कितना 15 किलोमीटर है यार, लंबी जॉब लेंगे ना जब अपन, तब गाने वाने लगाऊंगा। वो डुअल ट्रेलर भाई निकालूंगा कहाँ से, लेकिन साइड से निकालने मेरे को, बिल्कुल साइड से। विश्वनाथ भी आपने यार ऑलमोस्ट 60 रुपीज की सुपर चैट कर दी यार, इससे बेटर 30 रुपीज में मेंबरशिप ले लेते चैनल पे, आप एक महीने तक चैनल के मेंबर बन जाते, जैसे अपने तरुण भाई हैं, अंशु भाई हैं चैट में, मेंबरशिप मिल जाती है आपको। अब उसके भाई है रॉयल, देखते अपना ट्रक निकल जाएगा आराम से। निकल तो जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ प्यार से निकला है भाई, बहुत प्यार से निकला है, तो लेन मेंटेन करते हैं बस, गाड़ी से ना भिड़ जाए, इतने तो पैसे ही नहीं है मेरे पास जितना मेरे को देना पड़ जाएगा डैमेज। Y25 वॉचिंग आ रहा है भाई, इतना ही आता है मेरे को पता है, 25-30 अपनी इतनी आती है, अच्छी बात है। 25 आ रही है, तो कह रहे भाई 2 नहीं आ रही, 2 आ रही होती तो भाई मैं बंद कर देता स्ट्रीमिंग, अगर एक मेरी और एक और बंदा होता ना लाइव स्ट्रीम पे, फिर तो मैं स्ट्रीमिंग नहीं करता यार, फिर तो बंद, क्योंकि फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है यार। अगर कुछ लोग जुड़े हुए आपके, 25-30 लोग 50 लोग अगर जुड़े हुए आपके साथ, वो तो उसका मतलब उसका तो मज़ा अलग है। लाइट नहीं चल रही क्या भाई इस गेम में? ट्रक में सॉन्ग्स भी चलते हैं, चलते हैं रेडियो पे चलते हैं, बट वो मेरे को पसंद नहीं वो गाने, मैं अपनी प्लेलिस्ट लगाऊंगा ना, अपनी प्लेलिस्ट का मज़ा अलग ही है। एंड सैम गेमर भाई प्लीज डोंट स्पैम, अदरवाइज आपको टाइम आउट भी पड़ सकता है। अपने सुनील क्या कहते हैं तरुण भाई ने स्पीडिंग वायलेशन, अबे भाई इतने तो पैसे ही नहीं है मेरे पास भाई, अंडर स्पीड चलाना पड़ेगा। ये जॉब कर लो फिर कॉन्वॉय बना देना, मैं भी सेम जॉब ले लूंगा। ठीक है ठीक है यार, $250 कट गए मेरे यूरो, वो भी इतने तो है ही नहीं। चलो कोई नहीं यार, ये तो लॉस वाली जॉब थी। मैं ना बहुत टाइम पर ट्रक चला रहा हूँ ना, ETS में मेरे से ढंग से चल नहीं रहा है, मेरे को ATS की आदत पड़ी हुई है। अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर भाई बहुत डिफरेंट है ETS से, ETS से
उसमें सही में ड्राइविंग करने का मजा अलग है यार। पहले मेरे को बहुत बेकार लगता था ATS, बट जैसे जैसे खेलना शुरू किया ना मजा आने लगा। इसके भी अलग ही मजे हैं, बट ATS भाई वे बेटर। वेट ATS में अगर थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन आ जाए ना और DLCs आ जाए उसके, ट्रक्स के ट्रक मॉडिफिकेशन और ये सब, भाई फिर तो गजब है यार, वो गजब है, वो गेम बीट कर देगा, वो ETS को आराम से बीट कर देगा। और सारे के सारे मैप आ जाए अगर, पूरा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और आ जाए ना उसमें, खत्म है भाई ये गेम, ETS तो खत्म है। ETS का अपना अलग मजा है। बट रीस्टार्ट अभी तो स्टार्टिंग की है। रीस्टार्ट कृष्ण किस चीज की बात कर रहा हूँ? चलो भाई ये जॉब हो गई मेरी, बढ़िया। अभी एक और जॉब लेते हैं। कॉन्वे कह रहा था ना राहुल, कॉन्वे बनाने के लिए, कॉन्वे देखें बना पाऊंगा मैं वेन ऑनलाइन। अच्छा ठीक है भाई, पोस्ट कॉन्वे पासवर्ड 1234, तुम में से कोई आना चाहता है तो आ जाना। स्ट्रीम फ्रेंड्स ओनली रहते हैं। एनेबल ट्रैफिक, हाइड ब्लेड से नॉन कोलिजन फोर्स, स्पीड लिमिटर रखना नहीं है। एनेबल कोलिजन वाइल इन मेन्यूज, मैक्सिमम प्लेयर्स 8 है ना, उसको 6 कर देता हूँ, कंफर्म। ठीक है राहुल मैंने बना लिया कॉन्वे, आना है तो तेरे को आ जा, मैं जॉब ले रहा हूँ। कोई लंबी जॉब मिले एटलीस्ट, छोटी छोटी जॉब मिल रही है यार, 15-15 किलोमीटर की जॉब है यार, करनी नहीं मेरे को, लंबी जॉब चाहिए। GTA 5 फिर से कब खेल रहे हो? GTA 5 भाई मैं बहुत खेलता हूँ भूया पे, अगर आपको चेकआउट करना है चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे GTA 5 की स्ट्रीम चलती रहती है यार, वो भी 10-10 घंटे। सही प्रकाश, रीस्टार्ट कृष्ण क्या कह रहे थे गेम की? तो गेम को रीस्टार्ट नहीं, नहीं यार गेम को रीस्टार्ट नहीं किया मैंने। ओके अजीब सा इंटीरियर है ये ट्रक, तो मैं पहली बार चला रहा हूँ यार, देखा भी पहली बार है मैंने। थोड़ा नीचे करते हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है एस वधविन, ये चोमू कौन है भाई? वही है, वही है बस, समझ जाओ यार। सेम जगह पे तो नहीं उतार दिया मेरे को फिर से? चलो गाने भी लगा लेते हैं बैकग्राउंड। बजा क्यों नहीं? तुम लोगों को गाना सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है पता नहीं, बट लगा दिया हूँ। हेलो गौरव भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। आज से देखो मैंने शुरू कर दिया प्रॉपर ऑफिशियली ग्राइंड अपना ETS में। तो याद है एक दो प्रोफाइलें बनाई थी, भिड़ गया था मैं उसमें। और भाई निकेत भाई कैसे हो? वेलकम वेलकम। यार ये ट्रक पावरफुल नहीं है बिल्कुल भी, मतलब वैसे पूरा एक्सीलेटर दबाना पड़ रहा है वो खींचने के लिए। अबे अबे ये कहां से आ गया, दिख नहीं रहा इसको मैं जा रहा हूँ। कैसे लोग हैं यार, मेरे पीछे एक और ट्रक है। अबे राहुल कहां से आ गया इधर यार, ये तो गलत ही सीन हो गया। अबे अबे यार ये क्या चल रहा है, इधर से ठोक रहा है कोई, इधर से ठोक, इनको दिख नहीं रहा क्या मैं यहीं पे हूं भाई, मेरे को तो जाने दो। इसके NPC तो और गंदे हैं ATS से भी ज्यादा, भाई रोक ही नहीं रहे लोग भाई। भाई साइबर पंक का एपिसोड बनाओ यार, बोरिंग गेम लगता है वो लोगों को, मुझे भी बोरिंग लगता है। क्या था भाई ये? दिल ना लला रे नी तू लौण वाली, भाई इतने स्लो में भी भेड़ रहे हैं, बताओ यार मैं क्या बोलूं। $80-80 लग गए मेरे दो बारी। स्किल भाई प्लानिंग फॉर वैष्णो देवी एंड मनाली ट्रिप, एनी टिप्स फॉर मी? क्या बात है निकित भाई, नाइस
दोनों जगह गया हूँ। मुझे एक चीज बताओ पहले निकेत भाई, आप पहले मनाली जा रहे हो या फिर पहले वैष्णो देवी जा रहे हो? बिकॉज दोनों अलग अलग है, दोनों पूरे अलग है, एक हिमाचल में एक कश्मीर में, तो आप जा कहाँ रहे हो पहले पहले ये बताओ। डीसी आ जाओ डाकू भाई, रुको रुको आया मैं ये जॉब करके, पहुंचो आप डीसी तब तक। हाँ वैष्णो देवी की टिप्स तो ये भी दे देंगे आपको, वैसे टिप्स तो मैं भी दे दूंगा, अब तो दो बार हुआ है यार, बट ये तो रहते ही वही है। करुण भाई यार 180, यहाँ कोई कैमरा लगा हुआ है मुझे लगता है, स्पीड कैमरा पक्का यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है भाई, मेरा हर बार यही चलान होता है, पहले वैष्णो देवी फिर मनाली। अच्छा तो अगर आप पहले वैष्णो देवी जा रहे हो ट्रेन से जाना, पहली टिप तो ये, बस बस से बिल्कुल मत जाना, क्योंकि बस से अगर आप जाओगे ना तो सीन ये होगा आपको वहां उतरना पड़ेगा जम्मू, जम्मू से एक और बस करनी पड़ेगी, तो ट्रेन करना डायरेक्ट कटरा की वंदे भारत, या फिर वो आपकी चॉइस है बजट के हिसाब से, पर ट्रेन से जाना। और हाँ एक चीज और, काफी डिफिकल्ट है यात्रा वैष्णो देवी की, तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, कश्मीर में नहीं जम्मू में है। हाँ तुम भी, मेरे दिमाग से निकल गया था, कश्मीर निकल गया मेरे मुंह से, कश्मीर जे एंड के। क्या हाल है? अरे टेक्स्ट एंड एकदम बढ़िया यार, थैंक यू अंजू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द 20। यार गाना कैसे बंद करूं, अब दो दो गाने सुनने को मिलेंगे। दो गाने यार, अंशु भाई आपका गाना बिगड़ गया यार, हालांकि डीजे चल रहा है भाई मेरी स्ट्रीम पे। बजट ट्रिप करनी है, ज्यादा खर्चा नहीं करना, फिर तो वंदे भारत रहने दो, वंदे भारत कॉस्टली है, 1800 रुपये पर पर्सन है उसका एक तरफ का, तो वो तो महंगी है, फिर वो तो रहने दो आप, देखना फिर कोई और ट्रेन देखना, बहुत सारी जाती हैं, 400 या 500 की टिकट होती है उनकी पर पर्सन। कुछ डिफिकल्ट नहीं है वैष्णो देवी की यात्रा, आपका बुढ़ापा आ गया है। अरे मतलब देखो मेरे को भी कोई डिफिकल्टी नहीं हुई जुनैद साहब, ऊपर चढ़ने में क्या डिफिकल्टी होगी, उतरने में क्या डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी कह रहा हूँ जब घर पे आ जाओगे ना तब पता चलेगा टांगों की हालत। ऐसे गाना चल रहे हैं जैसे रियल ट्रक ही चल रहा है, हॉर्न भी लगा लू फिर गौरव ही बोला क्या सॉन्ग चॉइस है, हरियाणवी गाना ये। 37 वॉचिंग ओपी सपोर्ट, 37 पहुंच गई थी क्या, क्या बात है, मैं तो देखा ही, मैं देखते नहीं वॉचिंग यार अब। और भाई चुल इंसान की हालचाल यार, ये मेरे को बड़ी जॉब्स क्यों नहीं दे रहे, लंबी लंबी दो ना, छोटी छोटी जॉब दे रहे हैं बार बार, ये बार बार सेम ही जॉब दे रहे यार, मुझे लगता है नॉर्वे मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया, नॉर्वे में और कोई जॉब ही नहीं है, ये तो मैंने आइटम गलत सिलेक्ट कर लिया यार, ऐसी छोटी छोटी जॉब ही करनी पड़ेगी क्या, 12 किलोमीटर की 13 किलोमीटर की। आया आया डाकू भाई, गाने फिर बंद ही कर देता हूँ डीसी पे जा रहा हूँ तो। डिस्कॉर्ड खोला ही नहीं लू, हेलो सुचेत, मतलब ट्रेन की लूना एंड, एक सेकेंड ना बताता हूँ, जाओ तो ट्रेन से जाओ, बस से मत जाना भाई, बस से तो दिमाग खराब हो जाएगा, इतना टाइम लग जाता है, मेरे साथ तो हमारे साथ तो गलत स्कैम हो गया था जब हम गए थे भाई, बंदे ने 3 बजे उतारा था वहाँ पे, मतलब ट्रेन ही लूना एंड मेरी पूरी फैमिली जा रही है, निकेत भाई ट्रेन बेस्ट रहेगी सर, फैमिली जा रही है पूरी, एक साथ बुक कराओ उनकी टिकटें, बेस्ट है ट्रेन, कंफर्टेबल है, स्टेबल है, मज़ा आ जाएगा, मैं तो ट्रेन ही सजेस्ट करूँगा। CS:GO कब खेलोगे? CS:GO तो यार क्या करूँगा, CS:GO खेलने के लिए बंदे नहीं है। हेलो क्या करना है बताओ, मेरे को तो जॉब ही नहीं मिल रही अच्छी, इसमें तो आ रखी है 5, आपने गलत नॉर्वे ने गलत सेलेक्ट कर लिया, मुझे तो आ रही है 5000 वाली। अरे तेरे को नॉर्वे में दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है? तो मैंने ज्यूरिख में ली थी, क्या बोलते हैं गैराज स्टार्टिंग में भाई, मेरे को यही लग रहा है, मैंने सोचा नॉर्वे एक्सप्लोर करेंगे यार, देख के आएंगे कैसा है, बट
कर तो रखा नॉर्वे एक्सप्लोर कितनी बारी अरे तो करोगे मैं लेता यार। ना 5,000 वाले जॉब्स, आप मेरा वाला सिलेक्ट कर लेना तो मैं ले नहीं पाऊंगा ना, मेरी रेटिंग इतनी हाई नहीं है भाई। नहीं नहीं तो मेरी कौन सी हाई है इसका, मैं भी तो नया प्रोफाइल है मेरा भी, अभी बनाया तूने। हाँ, और क्या। चलो तो एक काम कर फिर, ये वाली जॉब कर लेता हूँ मैं खत्म, फिर तू लियो जॉब इस बारी। हाँ एग्जैक्टली, मेरी तो पुरानी है। अरे फिर आप जो आपकी जॉब नहीं ले पाएंगे डाकू, आपकी हाई लेवल प्रोफाइल होगी ना। हाँ हमको स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी आपके साथ खेलने के लिए, हम खेल ही नहीं पाएंगे ढंग से, हमें जॉब ही नहीं दिखाएगा जो आप जॉब लोगे ना। तो मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? अरे हाँ आप छोटी मोटी जॉब ले सकते हो, जैसे हम छोटी मोटी जॉब चला रहे हैं ना, ये 10-10, 12-12 किलोमीटर वाली, इसमें आप आओगे। अभी हम छोटे मोटे लोग हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे बड़े लोग। यार बहुत ज्यादा लाउड आ रहा है यार इसका साउंड ट्रक का। ट्रेन बेस्ट है? हाँ यार वहाँ के तो ट्रेन ही बेस्ट है। अरे रुक जा चचा, गाड़ी रोक। अभी तो कुछ दिन पहले खेला था, ETS अपडेट कब आ गया इसका? अरे अभी कल ही आया ना। थोड़ी कम करता हूँ ऑडियो। अरे मैंने नाइट वॉट पे अभी 500 लाइक गेम का सेट कर रखा है, वो भी हटाना है। ए अद्वैत मतलब 100 कर देते हैं उसको। 100 तो हो जाएंगे आराम से, 500 तो भाई तब होते थे जब याद है डाकू जीडे खेलता था मैं, खतरनाक ग्राइंड चल रही थी। सब मॉडर की गलती। आई हेडशॉट। अरे रेड लाइटर रुकना पड़ेगा। कौन मॉडर आ गया अब? अरे याद नहीं है एक बंदा गेम क्रैश करता रहता था मेरा। अच्छा इंची 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 नहीं नहीं और भी थे, 2-3 थे। एक से तो बात हुई थी हमारी डिस्कॉर्ड में, उसने बोला था भाई नहीं करूंगा। एक था वो इंजी पकड़ा गया था जो मैंने बैन ही दे दी थी। चलो यार ये मस्त लग रहा है ट्रेलर, छोटा सा। हाँ मस्त है ये छोटा सा। इस गेम में हाथ और दिखते ना मजा आ जाता। नहीं नहीं डाकू फिर मजा नहीं आता यार। क्यों नहीं आता है? मॉड पे फेक लगता है ना, हाथ लगा के फेक लगता है फिर थोड़ा। अरे अद्वैत पहचान गया बॉडी भाई, प्रॉपर बॉडी। हाथ हाथ बॉडी रख सकते हो आप चाहो तो। बॉडी तो वैसे भी टीपी में दिखती है। आखिर मिल तेरा नहीं क्या कर रहे जा भाई ये बंदा। थैंक यू अंशु भाई फॉर द 20। डाकू ATS खेलो एक बार आप, पढ़ा है आपको ATS? ATS खेलो, आपको सही बता रहा हूँ, स्टीयरिंग व्हील से ट्रक चलाने चलाने का मजा ही अलग आएगा। आप बोलोगे भाई मैं तो कूड़ा चला रहा था इतने टाइम से। नहीं ATS भी चलाता हूँ। ATS खेल के देखो बस एक बार, मजा आ जाएगा आपको, सही में मजा आ जाएगा। मैं खेला हूँ ना। डू यू नीड वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर? नो ब्रो अभी तो जरूरत नहीं है, गेम में गलत आ गया यार। ऐसे दे लो पैसे दे देना। गलत घूम गया पता नहीं वहां कहां घुस गया अब, वही देख रहा हूँ ये कहां आ गया। अच्छा और आगे जाना था मेरे को, मैं पहले ही कट पे मुड़ गया। ऐसे ड्राइवर बनूंगा मैं। व्हाट्स योर व्यू ऑन ट्रायोलॉजी एडिशन? आई थिंक आप जीटे की बात कर रहे हो भाई। लूटने का तरीका है कंपनी का और कुछ नहीं, जितना आप मिल्क कर सकते हो एक गेम की सीरीज को उतना कर रहे हैं वो लोग, लोग दे भी रहे हैं पैसे हार्डकोर फैंस। शायद फ्यूचर में मैं भी ले लूं अगर कभी सस्ता हुआ तो एज अ कलेक्शन, बट कुछ नहीं है उसमें डिफरेंट यार। स्टोरी वही है, गेम की फिजिक्स वही है, सब तो वही है यार, कुछ नया थोड़ी है उसमें। ग्राफिक्स नए हैं बस, ग्राफिक्स मोड तो आप खुद ही डाल लो, GTA 5 से बेटर दिखेगा ये वाला कट। थैंक यू अंशु भाई बहुत बहुत शुक्रिया 100 रुपीज़ के डेडली मादन के लिए। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? अरे बढ़िया एक नंबर लगा। और पे तो मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े ही अच्छे लगते हैं, बड़े भी हैं। हाँ भाई बड़े अच्छे लगते हैं। इसके भाई लंबे बालों वाली विग खरीद लो, एकदम मस्त पटाखा दिखोगे। अरे मैंने आज एक वो देखी जुनैद साहब, एक बंदे ने रील शेयर की थी उसमें उसने भाई जब वो हटाया ना तो अंदर लड़का निकल। राहुल आपको भेजू? हाँ भाई झटका लग गया एकदम से, ये क्या था, ऐसे कैसे हो सकता है? इनवाइट वगैरह कैसे करते हैं? करो लो ड्राइविंग स्किल्स तो हैं वो तो हैं। अरे एंट प्ले कैसे है? हेवन हमारे पास वेलो स्किल्स भी हैं। हेलो स्किल भाई रेजिडेंट इवल 8 खेलो। 8 है नहीं ना विलेज? हां हां डाको बोला क्लाउड गेमिंग है। एंट प्ले का सिस्टम है ये? एंट प्ले क्लाउड गेमिंग है ना डाको भाई? किसी पे भी आप GTA जो मर्जी चलाओ फोन पे कास्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्लाउड गेमिंग है।
नहीं, गेम फोन पे खेल सकते हो, पीसी पे खेल सकते हो। फोन पे खेल सकते हो, पीसी पे भी खेल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आगे वो पोटैटो पीसी है, ठीक है, बट आपको खेलना है साइबर पंक, तो आप क्या करो, हफ्ते का या 15 दिन का या 1 महीने का इनका सब्सक्रिप्शन लो, उस पर साइबर पे ऑब्वियसली बात है साइबर पंक तो होना ही चाहिए आपको, अगर वो नहीं होगा तो फिर कैसे खेलोगे, ठीक है। तो साइबर पंक डाउनलोड करो और उसमें उनका जो एक तरह से वर्चुअल मशीन है यार, वो जो शिवम भाई चलाते हैं ना, समझ गया मैं, वर्चुअल मशीन है ये, बताओ बस। और इसमें काफी अच्छे स्पेक्स हैं इनके, कहां आना ये होता हो, अरे नॉर्वे आ जाओ, नॉर्वे क्या करेंगे हम, इनको जॉब भी लेना पड़ेगा। राहुल तू ले ले अब जॉब, क्योंकि मेरे पास तो यार अच्छी जॉब्स आनी थी। चलो चलो सही है, सही है। डेथ भाई नहीं खेलते अब, ओहो डेथ भाई याद है, डेथ भाई खेलते हैं अभी, पता है वो अकेले अकेले खेलते हैं। डेथ लेके आऊं क्या, ये अच्छा है। आपने इंडियन स्किन लिया था ना, कहां गई एक्सटेंड, वो एटीएस में मैंने ट्रक बना रखा अपना। अरे कौन सी जगह आना है ये बताओ, वही नॉर्वे, नॉर्वे डीएलसी है आपके पास, एक ही नहीं होगा नो डीएलसी, पारी 4000 यूरो की एक। जेफरी कह रहे हैं खेलें, आ जा जेफरी, 1 2 3 पर पासवर्ड है। ओके तो नॉर्वे किधर, ऊपर है क्या नॉर्वे, सब याद है। अरे अतुल भाई, भाई वो नहीं खरीदा हुआ यार, तो वो खरीद लो, पैसा तो होंगे अब, लो मेरा जॉब लो, अब देखो रुक जा रहा हूँ चेक करने, तेरा जॉब टारगेट वाला नॉर्वे में कौन सी जगह पे हो, व्यू एंड टेक द सेम जॉब। हाँ अरे नॉर्वे में पैसे मिल रहे राहुल, बैरिगन, अरे कौन सी जगह पे नॉर्वे में, अरे कहीं मत आओ, राहुल की जॉब ले लेना बस, हम सब एक ही जगह पहुंच जाएंगे। एस्केप दबाओ, एस्केप दबा के ऊपर जो अपना वो आ रहा है ना मल्टीप्लेयर वाला, उस पर क्लिक करना। आप तो सेशन में ही नहीं हो, ज्वाइन तो करो पहले, तो इनवाइट तो करो कोई, अरे इनवाइट नहीं है डाकू भाई, ज्वाइन करना होता डायरेक्ट डाकू भाई, नीचे वर्ल्ड मैप जॉब मार्केट में वहां पे कॉनवॉय में क्लिक करो, वहां पे मेरा सर्च करना स्कल क्रशर के नाम से, एक सेकंड एक सेकंड कहां पे, और पासवर्ड डाल देना 1 2 3 कॉनवॉय, देखो नीचे 4 कंप्यूटर बने होंगे, चार कंप्यूटर हाँ मिल गया उसमें देखो स्कल क्रशर वाला दिख रहा है, हाँ है ना, हाँ बस ज्वाइन कर लो 1 2 3 4 डाल के, 1 2 नहीं ला पासवर्ड शो ही नहीं करता, 1 2 3 3 4 ओके बस, और जहां पे हम हैं वहां आ जाओ, वहां से चलेंगे, यू आर इन अ कन्वॉय सेशन, हाँ सेशन में आ गए ना बस, अब अपने जॉब ले लो, या फिर आपको ऐसे ही घूमना है अपना ट्रक लेके वो भी कर सकते हो, अरे आपके साथ चलना है क्या क्या, हाँ तो जॉब ले लो, मैं तो बोलूंगा तीनों एक साथ जॉब ही कर लेते हैं, जॉब मार्केट पे जाओ फिर ऊपर स्कलवाई का नाम होगा उसको क्लिक करो एंड जॉब ले लो, यू एंड टेक जॉब, यू एंड टेक द सेम जॉब, उस पे राहुल करवाइयो इनका जरा, तू करा मैं डेफन मारता हूं, अरे व्यू एंड वो नहीं आ रहा, अरे नहीं एस्केप दबाओ, लाइव करो मैं बताता हूं, उसके लिए मैं डिफेंड करूंगा, हां हां चलो मैं डिफेंड करता हूं, पेन बता दूंगा आपको, सेम जॉब हो गया भाई, ये हो गया ना, फिर सही है, हां ये लो आ गए शायद, ये ठीक है ठीक है, आ जाओ बस। अस्कल भाई दम है तो पहचानो, मैं आपका बहुत पुराना मेंबर हूं, और हां आप सबसे ज्यादा आप मेरे से ही बात करते थे, सयान तो नहीं है बुलशा, अरे वो बुलशॉक गेमिंग क्या है वो, सयान तो नहीं, जो कि एक अच्छे स्किल वाइज अच्छे यार, डैमेज कर रखा है इसने, इसको साउंड थोड़ी कम करो, कम कर, अरे F8 होता था क्या वो ट्रक ठीक करवाने वाली जगह, F7 कर दी मैंने, अरे वांजी भाई क्या बात है, अंबर जी स्वागत है, स्वागत है, वेलकम बैक, अरे आपका ट्रक ठुका हुआ है क्या, अरे मैं वो मेरा दोस्त चला रहा था ना, रुक जा यार मैं भी आ रहा हूँ 2 मिनट को, राहुल होल्ड कर ले 2 सेकंड को आने दे, हाईवे पे ले लेता हूँ, थैंक यू सो मच हिमांशु भाई मेंबरशिप ले, अरे रुक जा मेरा ट्रक भिड़ने वाला राहुल, अरे आराम से चलाओ यार, ATS चलाते चलाते ना बिल्कुल डिफरेंट सा लग रहा है, मैंने भी जब चलाई नहीं स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, सिंगल ट्रेलर है ना ये, आगे से एकदम जेट मुड़ जाता है ना उसमें थोड़ा, अरे वो कहाँ मिलेगा क्या, देखो यार क्या कर रहे थे, अरे इनकी लाइव देख के करवाते भाई, वही देख रहा हूँ रुको, हाँ ये देखो भाई आप तो अभी, माय नेम एंड्स विद टी, हेवन टीटी तो नहीं है, हेवन टीटी, अरे एक रुक जा सो जाऊं राहुल मैं, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, हाँ सही है इसका, सही कर रहे हैं, रिपेयर करके आ जाओ बस हमारे पास, टीपी मार रहे हैं ना, क्या कर दिया, अरे सोता तो पार्किंग में है ना, अरे रास्ते में कोई आएगी पार्किंग वहां सो जाना,
वही पे है भाई, वाले एरिया वो पे आ ही रहा है ना सोने का इसके। हाँ तो यार जहाँ ठीक कराने गए तो रिपेयरिंग वहीं सो जाते। तो वही पे तो है फिर वही भाई तो हूँ मैं वो अभी भी, सो जाओ सो घर। नहीं रहा ये। हो जाएगा, रात नहीं होगी, दिन नहीं होगा, टाइम चेंज हो जाएगा बस। आप मल्टीप्लेयर में हो, समझ गए? ये सोएगा ही नहीं यहाँ पे। सो जाएगा अरे फॉर फॉर द सो गेम, बट वेदर उधर चेंज नहीं होने वाला, टाइम नहीं चेंज होने वाला, दिन ही रहेगा। बस आपका जो वो लाल हो रखा है वो नॉर्मल हो जाएगा। नहीं अरे सोएगा यार यार, चाहित तू तो, चाहित है छोड़ो मैं अभी घर क्या? पे देख लूंगा। लगा हेमंत ठीक है, कोई नहीं, चाहित भी याद है, चाहित भी नहीं भूला। हेलो रिजय, कैसे हो यार? चिकने क्यों बने घूम रहे हो, कैसे हो? बाय द वे बढ़िया, मानसो बढ़िया, करता ये अंकित है रहता हूँ क्या? मैं साफ साफ बीच बीच में। चाहित चाहित, भाई नींद आ रही है पासवर्ड इसकी। क्या है? 1 2 3 4 7। फक लाइफ इज स्ट्रेंज, कब खेलोगे? लाइफ इज स्ट्रेंज है ही नहीं मेरे पे। आगे ले राहुल थोड़ा मारे बस। एसएमपी कराई परफेक्ट। कहाँ रह गए डाकू? जरा देखूँ मैप में, देखो देखो। हाँ 7 भी आ गया। अरे बस निकलना ही है ना वो, आपको बस हाँ बस निकल के यहाँ पे जॉब आके लेना है इनको, और कुछ नहीं। ट्रक भगा के लाओ, जॉब लो, हम आपका वेट कर रहे अरे हैं। पीछे आ रहा है। अरे तो राहुल हमें जॉब तो काम मैंने था। ले ली, 200 किलोमीटर की जॉब आ रही है। हाँ तो आ जाओ ना हमारे पास, आ जाओ फिर राहुल, आगे से वो ले ले, राइट ले ले, ये अपने को हाँ वहीं अरे मिलेंगे। क्या बोलते हैं डकोई, जल्दी आओ, 1 घंटे में वो जॉब एक्सपायर होने वाला है। अरे भाई मैं 3 घंटे निकल रहा आ हूँ, रहा है भाई, रुक, होल्ड कर होल्ड कर, मेरे को आगे जान दे जाओ जाओ। भाई, मेरी जॉब एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, मेरे को पैसे महंगे नहीं नहीं पड़ रहे अरे हैं। आपने ले ली नस्कल भाई, लेने के लिए एक एक्सपायरी होती है टाइम, वो 1 घंटे में उनके जाने, मतलब इन गेम जो 1 घंटा होती है ना वो, भाई उसके मैंने बाद चली ले रखी जाएगी। है जॉब, नूब। नहीं 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 ले रखी आपने वो, अभी आपको क्या बोलते हैं बता रहा नहीं है कि 205 आपको, किलोमीटर मेरे को क्या फारसी आ रहा है? मेरे पीछे क्या नाम है, 2 बुलडोजर फ्री में चढ़े हुए हैं क्या? आप जब यहाँ पे पहुंचोगे ना, आपको यहाँ पे आके रे चेक जॉब ही राहुल करना है। सही बोल रहे हैं, बुलडोजर है ना पीछे, ट्रक है ना, ट्रेलर ट्रैक्टर, इन्होंने जॉब ले रखी है भाई। ट्रैक्टर कहाँ से आ जाएंगे फिर? अच्छा जॉब जॉब मेरे है भाई बंदे उनके को आ रही है पास। नींद, इसको सोना है अरे आ जाओ, ऐसे ही सुला देंगे रास्ते में कहीं पे। भाई, वो फुल रेड है मेरा निशान। अरे राहुल हाईवे पे आ जाओ बस। हाँ हाँ आ रहा हूँ, चलो चलो। अरे सच में लगा कि लगा ली है कार्ड, काम नहीं कर रहा। कोई नहीं कोई नहीं भाई, ध्यान से चलाना पड़ेगा, ऐसे कमेंट पढ़ पढ़ के तो मैं बहुत गंदा ठोकूंगा। भाई आई एम सीइंग यू ऑन YT आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ रिजक यार, मैं भी काफ़ी दिनों बाद स्ट्रीम कर रहा हूँ। चलो सर भी आपको एक शायरी सुनाता हूँ, आदमी का पजामा सलवार नहीं हो। गुड वन जाहिद, गुड वन। नाइस ब्रो, स्मूथ तो है यार, बट ये ट्रक चलाने में थोड़ा डर लगता है, हो पलट गया जाएंगे। कांड। अब क्या ठोक दिया क्या आपने? अरे यार अपना एक ट्रक उठा के पीछे पीछे आ जाते ना फालतू में, यार जॉब ले रहे हो, मेन ट्रक ले आते अपना। अरे मेन ट्रक ही तो लेके आया हूँ, इसको नींद आई हुई है बंदे को, अरे पता नहीं भैया, ये पार्किंग में भी सोया नहीं नहीं है। सुलाया आपने यार, कमाल हो। अरे वहां पे ट्रेलर लगा हुआ था ना पीछे, वो सोया अरे ही तो नहीं वहां ट्रोलर पे। वो कर देते ना डिसमेंट पे, वो कर देते डीकपल, टी दबा के, कोई नहीं, अभी तो और बाद में फिर देख लेंगे, मैं पार्किंग में आ गया आराम से हूँ। सुला देते उसको। अरे कोई नहीं, अब देख लेंगे आगे। मैं तो भागा रहा हूँ मस्त, गाने गुने लगाऊं साइड में। तरुण प्रीत जी, पीसी ड्रैग करो हेवन, तू ये वाली जॉब पे है? एक बात बता, कॉन्ग्रेट्स एंट की पार्टनरशिप के लिए, थैंक अवॉइडिंग यू। स्लीपिंग ऑफेंस, कोई नहीं, वैसे भी पैसा ड्राइवर बहुत डेढ़ सौ है डेढ़ सौ तो सोने कटने के। दो ना, आपके पास पैसा कम है क्या? आगे पार्किंग है डाकू, आओ मेरे यहाँ पे आ जाओ, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पे पार्किंग भी है, यहाँ पे फ्यूल भी है, सब कुछ है, आराम से सब कुछ कर पाओ। भगा के ले आओ बस, जहाँ पे मैं हूँ बस भगा के ले आओ, मैं यहाँ गाड़ी रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे सोने का सब है। थैंक यू सो मच हिमांशु भाई, एंड प्ले की मेम्बर, ओ स्पॉन्सरशिप मिली है, एंट प्ले और एंट ई स्पोर्ट्स दोनों के साथ ही मेरा आई थिंक कोलैब हो चुका है। यप, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना कई बार एंट प्ले एंट ई स्पोर्ट्स में। आ गई पार्किंग, आ गई। हाँ हूँ इस जॉब पे है क्या, देखने देख बार मेरे को।
अच्छा सबने ले रखी है क्या? जो सारे इधर ही आ जाओ फिर। सबने ले रखी है। अरे कहाँ सोऊं? अरे इतनी पार्किंग है डाको, कहीं भी सो जाओ यार। अरे पार्किंग तो आपने ले रखी है उनकी। सुजीत कह रहे हैं अंकल दिख रहा है तू। भाई अंकल नहीं है, 27 साल का होने वाला हूँ यार मैं, बच्चा थोड़ी। एक दो छोटा बच्चा तो मेरे को यार रोड पे अंकल ही बोलेगा, अगर वो लेट से 12 या 15 साल का होगा तो। या फिर भैया जाओ ना डाको सुलाओ प्लेयर को। चलो हो गया, आगे आगे जाओ, उड़ा दो ट्रक, मेरे में मत ठोकना बस। आओ चलाओ चलाओ, मैं जाऊँ या आप जा रहे हैं? जा रहा हूँ, मैं तो रेड लाइट भी फॉलो करूंगा डाको भाई, रेड लाइट भी फॉलो करूंगा मैं। ये बॉटम फ्रैगर के लिए रुकना है या निकलना है? चलो चलो चलो, पता नहीं क्या। हाँ मैं तो रुकूंगा, आपका पता नहीं, देखो मैं सारे रूल फॉलो करूंगा। मैं भी रुकूंगा, हाँ। मेरे में पैसे नहीं है ना डाको इतने। चलाओ चलाओ भगाओ ना। मैनुअल वाला हूँ ना मैं। बियर्ड बढ़ा ले मस्त लगेगी भाई, कुछ लोग कहते हैं बियर्ड बढ़ाने के बाद भाई मैं ज्यादा दिखता हूँ बड़ा एज में। बियर्ड भाई मैं रखूँ ना बियर्ड? अरे डाको भाई बियर्ड मैं टाइम टू टाइम शेव करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि डेली, महीने 3 महीने बाद एक बार मैं शेव कर ही लेता हूँ। करनी चाहिए यार, जड़ से निकालनी चाहिए बाल, सही रहता। मोमोस लवर यस, लो जाना थोड़े से। हाँ स्लो हूँ, लेन चेंज कर लो। तो भाई तुम फ्री फायर में नूब हो? हाँ तो मैं फ्री फायर खेलता ही नहीं सैम, मेरे को आता ही नहीं खेलना, प्लस मेरा बहुत लैग होता है ना, लैग होता है ना वो गेम, क्या होता है? मैं लैग हो रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं फ्री फायर की बात कर रहा हूँ। स्लो डाउन कर रहा हूँ मैं थोड़ा, मेरे को तो लिमिट में रहना पड़ेगा यार, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ऐसी पतली पतली रोडे हैं राहुल यहाँ पे, ATS में ऐसी खुली, ATS में ऐसी खुली खुली रोडे होती थी, मजा आ जाता था, यहाँ ऐसा लग रहा गली में चला रहे हैं। ए चल भाई प्रणाम पहचाना? अरे मधुर पहचान गए, कैसा है, वेलकम बैक, बहुत दिन बाद दिखा। डकटेल बियर्ड रखो, डकटेल कौन सी होती है यार? मेरे को फ्रेंच पता है, नाम सही में नहीं पता बियर्ड। स्मूथ चल रहा है राहुल, ETS काफी एकदम मस्त, मल्टीप्लेयर में भी हाँ बहुत स्मूथ चल रहा है। चलो भाई सुनो, जितने पैसे स्पॉन्सरशिप से मिल रहे हैं उससे इतने पैसे दे दो कि मैं एंट की मेंबरशिप ले लूं और कूपन भी लगाऊंगा। वैसे कूपन अगर तुम यूज़ करते हो गाइस ये वाला, तो इसमें 20% तुम लोगों को डिस्काउंट मिलेगा उसमें। वो फॉर एग्जांपल अगर 800 की मेंबरशिप है तो 20% डिस्काउंट काट के सोच लो कितने का होगा। 160 रुपीज राहुल 800 में माइनस करो 160, यार सही है यार, नॉट बैड नॉट बैड यार, 3000 वाली लेते हो उसमें 20% ऑफ, फिर तो और बढ़िया। अरे पुल आ गया, पुल देखो एक बार अच्छी लगेगी। चलो मैं सर्च करूंगा यार। चलो फाइनली मैं राइज ऑफ द टॉम रेडर खरीद ली 399 में। अरे यार कोई बताओ, राहुल तूने इनको बताया नहीं था यार ये गेम फ्री हो गए थे। इन्होंने PS5 में लिया है ना? अच्छा यस, चलो ठीक है, अब क्या ही बोले के लिए, ठीक है क्या ही कर सकते हैं हम, ये तो बोल नहीं सकते यार। चलो 300-400 का गेम छोड़ो, आप 80,000-90,000 का एक कंप्यूटर बनाओ। कच्चा बादाम बिल्कुल मत लगाओ भाई प्लीज, बहुत बोर हो गया हूँ उससे। गाना तो लगा ही नहीं रखा मैंने यार, गाना बज ही नहीं रहा है। रे, 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 कहाँ बज रहा है गाना? इंजन की आवाज को ज्यादा ही आ रही है। मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, 11th का रिजल्ट आया है तो। अरे कितना किलोमीटर बची है आपकी? 75. अच्छा मैं ब्रो ओके, हेलो दीप, मेरे पैसे अच्छे खासे बन जाएंगे राहुल, लेकिन इस जॉब में 4000 मिलेंगे ना? वही ना, कहां मैं 500-600 डॉलर के लिए आपका मैंने लिया था ना, उसमें 6300 समथिंग दिखा रहा था, अभी 400 दिखा रहा है। मेरे को भी 4 ही मिलेंगे ना, पता लगा 4 नहीं दिए। हां हां, अरे सेम जॉब नहीं है ना, अलग जॉब थोड़ी है। ठीक है भाई, 4000 मांगता हूँ। डाको आप शेयरिंग व्हील से चला रहे हो ना सब कुछ? हाँ भाई,
गियर वियर डाल रहे हो या फिर ऑटोमेटिक? सिक्वेंशियल। क्या बात है सही है यार। नहीं हमेशा सीक्वेंशियल पे तो मैं भी चला रहा हूँ आजकल भाई। मेरा कंट्रोल में सीक्वेंशियल मुझे आता नहीं ना, कैसे करना है? मैंने सेट करके रखी है ना सीक्वेंशियल आई थिंक एक्सबॉक्स का कंट्रोलर होता है ना मेरे पे, उसमें होता है नीचे बटन, यहाँ पे गाइस दो बटन एक्सबॉक्स होते में हैं, होता है। उसमें मैं सीक्वेंशियल पे कर सकता था। ऐसे गियर डालता मैं है जैसे वो सुपर कार्स होती है ना। मैंने सारी चेंज करके रखी है आजकल भाई यहाँ पे कंट्रोलर बढ़िया बढ़िया, स्लो पे। डाउन कर ले, चार पे मुड़ना है मेरे को। ये है डर लगता है यार यार ईटीएस के ट्रक चलाने में, पीछे रूम है, बहुत पीछे रूम है। एक टाइम पे हम क्या भगाते थे इसमें। अरे अभी तो ये इंजन भी इतना अपग्रेड नहीं होगा ना, स्लो ही चलेगा। तो चलो भाई तो मौज करते हैं, कौन सी मौज करनी है भाई बताओ। तो भाई गुड नाइट, तबीयत थोड़ी डाउन है, क्या हो गया जुनेद साहब? चलो तो गुड नाइट वो ठीक है, क्या हुआ क्या ये तो बताओ। बोली लोगों की तबीयत डाउन कैसे लग गई? इनका खुद का बुली हो गया ना। अरे ये राहुल कुछ कह रहा है तो जुनेद साहब आपको कह रहा है आपको खुद का बुली हो गया है। अरे ये चैट में कुछ मेरे डिस्कॉर्ड में कुछ लिख रहे थे, मैंने डिलीट मार दी। ओ ये तो बुली हो गए फिर। स्कल 100 भी एक कोड होना चाहिए था, 100% ऑफ। भाई 100% तो मेरे को नहीं मिला यार, तुम 100 मेरे को कुछ 7 days का ट्रायल मिला यार, तुम 100% ऑफ। मतलब भाई ब्रांड कुछ कमाए ना, क्या चाहते हो तुम? बट हाँ ये उनके लिए, अगर तुम्हारे पास गेमिंग पीसी नहीं है, गेम्स ट्राई करना चाहते हो तो उसके लिए कर सकते हो। इवन हाँ यार मोबाइल पे भी हो जाता है, बट एक यार एक गेम्स छोट अभी भी बाय करने पड़ेंगे। तो और क्या, नहीं आपको नहीं वर्चुअल मशीन मिल रही है, गेम्स थोड़ी मिल रहे हैं। अरे ऐसा, तो और क्या राहुल, अच्छा मुझे लगा नहीं, उसमें नहीं। गेम्स भी सारे मिलेगा। हैं। हाँ मुझे भी यही लगा उसमें गेम्स भी यार एक होंगे। बात बताओ, कोई शॉप पे जा रहे हो तुम, रेस्टोरेंट जा रहे हो, रेस्टोरेंट में खाना खरीद के खाना खाओगे या बोलोगे अरे दुकान भी साथ में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आजकल भाई। ये वर्चुअल मशीन का सब्सक्रिप्शन है, ये कोई गेम्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है। जैसे बैटल पास नहीं है उसका, वो थोड़ी है। बैटल पास कह रहा हूँ, बैटल गेम पास, गेम पास, गेम पास थोड़ी है। वैसे आइडिया अच्छा है भाई, गेम पास लो और उसके बाद ये एंट प्ले का सब्सक्रिप्शन लो, मजे करो भाई, 1 महीना फुल मजे हो जाएंगे तुम्हारे। खेलो दबा के गेम्स, दिन में 5 घंटे 6 घंटे दबा के खेलो, है हाँ ये भी है। ना सस्ता और टिकाऊ। जैसे कई लोग कहते हैं ना यार अब हमारा काम है यार नया पीसी क्या बनाना, ऐसे कर सकते हो तुम लोग। लगता है नजर लग गई बना किसी की, क्या वो राहुल तो नहीं है? स्टटगार्ड आ गया, स्टटगार्ड शो डाउन कर ले राहुल रेड मेरे लाइट आगे। है स्किल भाई। अरे मेरा अरे रेड लाइट कूद गया, चलो आप बोले कार्ड रेड को मैं लाइट है। रोकूंगा। रोको रोको, अरे इधर ही अंदर जाना हाँ होगा। एंट आफ्टर 7 days भी ले आए, ओए सफेद कपड़ा हमारा समारा मिस करो, बहुत मजे हेलो हो गए। चलो स्किल भाई। नहीं वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा हिमांशु भाई, 7 days बाद जो ट्रायल है ना। पैसा सिर्फ आना चाहिए जाना नहीं चाहिए, यही तो गलत थिंकिंग है चाहे तो। अबे ये बात बताओ, अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहां तो कभी इन्वेस्ट नहीं करोगे? बोलोगे भाई जब तक तो मेरे पैसा नहीं आएगा मैं इन्वेस्ट नहीं करूँ। तो इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे आएगा कैसे? स्टॉक मार्केट पता है ना, वहां फ्री में स्टॉक्स तो मिलते नहीं। अरे हटाओ ना डाकू ट्रक, एंटर मार दो पार ना। करने जा रहा हूँ ना, अरे डायरेक्ट पार एंटर क्यों मार डायरेक्ट मारो देते, क्या यार, 40 XP हो मिलती है गया, मुश्किल पैसे से। लेंगे हम तो। चलो आप पार्किंग लगाओ, आपको मजा आएगा स्टीयरिंग व्हील से। राहुल आप में से कोई है? अरे यार नहीं यार, हम तो ऐसे ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। कितने अरे पैसे मिले तुम मेरे तो को वैसे तुम तो मैजिक से यहाँ आ रहे हो भाई, चोर उठा और क्या? कितने मिले? 4,300। राहुल एक और लगा दे, मैं तो कह रहा हूँ लॉन्ग सही है बिल्कुल। डिस्टेंस अरे अभी लगा ठीक दो। है। लॉन्ग मेरे को एक वो भी मिल गया, स्किल भी मिल गया, खत्म हो गई क्या? 7,000 अरे 8,000 हो भी गए मेरे पास इतनी जल्दी। हेलो भाई मुझे ही मिले, कितने ऐसे मिले दो मेरे सौ को? किलोमीटर की एक और लगा दे, मजा आ गया इसमें तो। 11,000 हाँ मिले मेरे लगा को रहा स्किल भाई, हूँ। 11,500। अरे आधी जॉब फिनिश कर सकते क्या ऐसे एग्जिट, क्योंकि मेरा बहुत बचा है। अरे करंट आपको कंपनी ज्यादा इसलिए मिले हैं क्योंकि आप खुद का ट्रक लेके आए थे। आप किराए के ट्रक लाए हो? और क्या, हमारे पे ट्रक थोड़ी है, हमने ना नई प्रोफाइल अरे बनाई है। कंपनी का है हमारा ट्रक। गुड नाइट जुनेस साहब एंड गेट वेल सून, जो भी आपको अरे हुआ है ट्रक दे टेक केयर। दूं तो ट्रक ले लो गिफ्ट चल कर दूं ट्रक? लगा ली जॉब? चल मैं हाँ लगाता हूँ। हाँ ले लो। अरे मुझे भी लेनी भाई जॉब, रुको हाँ रुको हाँ रुको। इस पे क्लिक करो, व्यू एंड टेक द सेम जॉब, 11,000 कितने मिलेंगे। मिले थे? और मजा आ गया राहुल, मजा आ गया भाई, सही
सबसे पहले आपकी ही स्ट्रीम देखता था, पुराना सब्सक्राइबर हूँ जब आप वॉकिंग डेड खेलते थे, मुझे याद है टेक्स्ट की लगाई है इसकल भाई 11,000 कहाँ, वो तो 11 मिल रहे हैं और क्या भाई कुछ भी मुझे तो 11 मिल रहे हैं, 4,800 की लगाई इनको 11,000 मिल रहे हैं, यहाँ से यूटर्न मारना है क्या, निकल गए क्या आप लोग, नहीं जॉब पे ही हैं उठा रहे हैं, अरे मैं एग्जिट कर सकता हूँ क्या, 250 किलोमीटर की ना, हाँ मजा आ जाए, एग्जिट कर सकता है तू, तेरे पैसे कटेंगे लेकिन जॉब उठा रहे हो मतलब क्या है, मुझे तो मैं तो मैंने व्यू एंड टेक किया तो मुझे सीधी जॉब ही मिल गई शायद, हाँ तो ट्रक में आ जाते ना डायरेक्ट, अरे मुझे ट्रक नहीं मिला, वो नहीं मिली, अरे तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा अपना ट्रक लेके, फिर कहाँ है, मैप पे देखो, मैप में देखो दिखा रहा हूँ आपको कहाँ पे चलना है, हमें देखो, हमें देखो, हम मैप में कहाँ पे, वहीं पर है लास्ट टाइम जहाँ पे थे, सेम लोकेशन है, मुझे नहीं दिख रहा है, मेरे में बारिश नहीं हो रही राहुल, अरे मैप खोलो ना डागू भाई, एम दबाओ, अरे हाँ सही कह रहा है, बारिश हो गई भाई, एल 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 टेक द जॉब, हाँ मुझे 12,000 मिल रहे हैं, एंड डीपर अपर के लिए के ओके, सूरी चले राहुल, अरे अभी भी ट्रेलर ऐड नहीं हुआ यार इसमें, तो आपको ऐड करना पड़ेगा मैन्युअली जाके, क्योंकि आप अपना ट्रक ला रहे हो बार बार, खुद का ट्रक ला रहे हो, हमें तो ट्रक मिल रहा है उसमें ट्रेलर ऑलरेडी अटैच्ड होता है, अरे तो मुझे पिछली बार तो अपने आप कनेक्ट हो गया था उसका बात, पिछली बार का, अरे तो आप वहीं पे डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो गए ना, चलो भाई थंबनेल में पूरा दाढ़ी मूंछ और अंदर देखा चिकना, अरे पुराना थंबनेल है यार, चलो भाई की हालचाल, टॉक्सिक एकदम बढ़िया, वेलकम टू द स्ट्रीम यार, जॉब कैंसिल का होती है वो, कोई वो कह रहा है कोई ऑलरेडी जॉब पे हूं मैं, अरे कर तो लिया आपने जॉब, ना कोई सिंपल सा सलूशन है, एस्केप दबाओ, कॉन्वॉय में जाके देखो, आपकी जॉब भी वही वाली है जो हमने ले रखी है, तो सही हो, सही जा रहे हो, बस आपको पोजीशन पे आके ट्रेलर उठाना है और कुछ नहीं करना, पोजीशन कहाँ है, ढूंढो पोजीशन मैप खोल के, अरे जब जॉब लेते हैं तो उसमें नाम आता है ना ऊपर, किस जगह से किस जगह पे जाना है वो भी पढ़ लो ना, अच्छा मिल गई मिल गई, अच्छा वो वही जगह है, हाँ लास्ट लोकेशन ही तो है जहाँ लास्ट टाइम थे हम, नहीं अरे अपने आप मार्कर लोकेशन उसका ही लगा हुआ है, जॉब का ही लगा हुआ है, तो चलो वहाँ पहुँचो फिर, रुक जाओ तुम तो भागे जा रहे हो, अरे हम हाईवे पे है राहुल, साइड लगाइयो ये टनल के बाद, यार डरावना सा ट्रक है ये तो बड़ा, अरे वाइपर किससे ऑन होते थे इसके, पी दबाओ पी दबाओ, दो बारी तेज हो जाएंगे, पी दबाओ पी कीबोर्ड में, एंट प्ले क्या है शर्विल, एंट प्ले क्लाउड गेमिंग सर्विस है एक, अगर आपके पास लेट्स से कोई हाई एंड कंप्यूटर नहीं है तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, साइबर पंक खेलना चाहते हो, GTA 5 खेलना चाहते हो, तो ये सब खेलने के लिए आपके पास एक हाई एंड कंप्यूटर होना चाहिए, अच्छा खासा कंप्यूटर होना चाहिए जो कि इनको रन भी कर सके, बट ऑब्वियसली बात है अब मैं अगर कंप्यूटर बनाने जा रहा हूँ तो वो बनेगा 1-2 लाख का तो आराम से बने, ठीक है मुझे एक सस्ता सोल्यूशन चाहिए, 1 महीने वाला सोल्यूशन चाहिए, 10 दिन वाला चाहिए, आर्ली बेस्ड सोल्यूशन भी चाहिए, तो वहाँ पे क्लाउड गेमिंग काम आती है एंड प्ले की, आपको क्या करना है खाली इनका सब्सक्रिप्शन बाय करना है 7 डेज का या फिर 15 डेज का या फिर 30 डेज का या फिर आर्ली बेसिस पे भी ले सकते हो, और बस उसको डालो अपने पोटैटो कंप्यूटर में और वर्चुअल मशीन पे आप अपने गेम्स खेल सकते, अच्छा खासा हार्डवेयर मिलता है आपको, 400GB SSD मिलती है, उसके बाद 1660 सुपर आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है, Xeon में यार ना प्रोनाउंस ही कर पा रहा, बट एक बहुत ही तगड़ा आपको प्रोसेसर मिलता है, प्रोसेसर होते हैं वो, हाँ और 12GB रैम मिलती है, तो अच्छे से अच्छा गेम आपका आराम से रन कर देगा, बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पर खेल रहे हो बट वो वर्चुअली चल रहा होगा, उसी पे चला रहे हो क्या गेम, अरे नहीं नहीं उसमें तो मैंने लॉग इन ही नहीं किया अपनी स्ट्रीम आईडी से, उसमें मैंने डाकू में वो डाला था आज जेंशन इम्पैक्ट, वो सपोर्टेड ही नहीं है उसमें, कुछ गेम्स हैं जो सपोर्टेड नहीं है गाइस अभी एंड प्ले पे, जैसे कि वैलोरेंट हो गया, लीग ऑफ लेजेंड्स हो गया, नहीं वैलोरेंट नहीं है, नहीं नहीं उनका ना कुछ क्लाइंट का इशू आता है, क्लाइंट का इशू, अरे वो मांगता है ना आपकी राइट हैंड, हाँ आपको वो एक तरह से एडमिन एक्सेस चाहिए क्योंकि वैलोरेंट में वैनगार्ड है और वैनगार्ड फिर बोलेगा कि मुझे एडमिन एक्सेस दो और वो VMware पे आप एडमिन एक्सेस मिलता नहीं है, इसलिए मतलब VMware कह रहा हूँ मतलब मशीन, शार्ट प्लीज शो विद बिग शार्ट यू ब्रो,
अरे ये क्या आ रहा है? एंड प्लेस से अच्छा जी फोर्स नाउ है, बट जी फोर्स इंडिया में है नहीं ना अभी। अरे ये क्या हो रहा है ये मुझे अब... अरे क्या लेके जा रहे हो आज? मेरे फार्म हाउस का प्लॉट मेरे नाम हो गया, क्या बात है, पार्टी बनती है फिर शर्विन। अरे लेके क्या जा रहे हो आप लोग यहाँ से? ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं दो, मेरे में तो ट्रैक्टर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। बारिश ही बंद हो गई, डाकू यहाँ का वेट करते करते यार आते। अरे यार मुझे नहीं दिखा रहा वो सब चीजें जो आपके। अरे जो भी दिखा रहे ले आओ बस। हेलो सर, हमारे साथ भी कभी खेलो ETS 2 ऑनलाइन। नो फ्रेंड्स इसलिए। अरे तो आ जाओ ना भाई, फन टू राइड भाई अभी आ सकते हो आप खेलने के लिए। मैंने तो पासवर्ड 123 पर रखा हुआ है, मैंने तो बोला था कोई भी ज्वाइन कर सकता है। कल भाई मुझे वो गाड़ी नहीं दिखा रहा है वहाँ पे वो वाली। क्या दे रहा है आपको? मुझे मैं वहाँ पे जा रहा हूँ ना जो जहाँ पे ट्रक उठाना है। अच्छा दिख गया मुझे लॉग दिखा रहा है उठाने के लिए वो। अरे कुछ भी उठा लो, जो आपको दिखाएगा भाई उठाओगे ना। चलना है बेन भाई। ओ भाई नहीं आता मुझे खेलना, दूसरी बार कह रहा हूं। ये आता नहीं है बेन खेलना गेम। हरि ओम शो भाई कह रहे हैं एज एक्सक्लेमेशन मार्क एज और पता चल जाएगा। हे स्किल भाई, हेलो युग्या, वेलकम बैक। स्किल भाई सपोज हम एंड सब्सक्रिप्शन लिया तो गेम्स भी खरीदने पड़ेंगे या वो देंगे? नहीं यार अरुण भाई, फिर तो गेम्स तो लेने पड़ेंगे आपको, बिकॉज आप जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो वो एक कंप्यूटर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आप गेम्स का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे ना। बस सबसे बेस्ट सोल्यूशन इसमें फिर यही है कि 8 महीने का या फिर जितने भी 6 महीने का आपको गेम पास लो, क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाला, और वहाँ बहुत सारे गेम्स हैं, खेलो आराम से। यही फन टू राइड तो वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना गेम्स बहुत महंगे हैं, 3,000 के गेम्स हैं वो तो सब्सक्रिप्शन में थोड़ी मिलेंगे, वो तो हमको मैनुअली परचेज करने पड़ेंगे। बट अगर आप फ्री टू प्ले गेम्स ट्राई करना चाहते हो वो कर सकते हो, बहुत सारे फ्री टू प्ले गेम्स है, रॉकेट लीग हो गया, फोर्टनाइट हो गया। अरे वहाँ कहाँ चला रहा है ये, कौन है? अरे राहुल ये बगल में मेरे कौन चल रहा है? मैं हूँ। तू ही है क्या? अरे याद दे भाई, जा 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 आगे जा, जल्दी आगे जा, जल्दी आगे जा, मेरे को लेन चेंज करना है। डाकू भाई आया नहीं क्या अभी तक? इतना प्यारा दिख रहा है भाई गेम, ETS भी अच्छा लग रहा है इसके लिए नहीं। अरे बढ़िया लग रहा है। हेलो आलोक, हे सुयश, आपके पास तो अरुण भाई PS4 है ना या PS5 आपके लिए मेरे? अरे यार लेकिन हाँ हाँ कर सकते हो, अगर आप एक दिन के लिए कोई छोटा मोटा PC का इंतजाम कर सकते हो किसी दोस्त का, क्योंकि जब सेटअप करना होता है ना उसका क्या बोलते हैं क्या नाम है उसका एंड प्ले का, जब सेटअप करना होता है ना तब उसकी जरूरत पड़ती है। क्या बोलते थे यार वो, कौन सा सॉफ्टवेयर होता था भाई, मेरे दिमाग से निकल गया। आगे जाए खड़े हो गए आप लोग। अरे वो बहुत स्लो चल रहे हैं, तो एक छोटे से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वो शायद PC में ही चलता है, वो 5 मिनट का काम होता है, उसके बाद तो फिर आप पार्सेक के थ्रू अपने जितने मर्जी गेम चलाओ अपने फोन में चला सकते हो, सारे के सारे गेम्स फोन में भी चल जाएंगे। चल भाई एज चेंज नहीं है आइट बॉट, कितनी दिखा रहा है मेरी एज? 26 है मेरी यार, बॉट कितनी 25 दिखा रहा है। ओह शिट मैं यंग हूँ मैं यार, कर दूंगा मैं चेंज। हेलो लक्ष्य, क्या हाल चाल? तो भाई आगे चेंज करना, कर दूंगा मैं एज प्रियांक, डोंट वरी। मेरे पीछे कौन आ रहा है? मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा। डाकू भाई कहाँ पर हो? आया बस। बहुत स्लो चल रहे हैं आपके लिए, तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे, ये भगा के ले आओ बस, सही आ रहे हो। ये इसमें अच्छा हो गया सर कि हम गाड़ी चलाते चलाते मैप देख सकते हैं ये कौन कहाँ पे। मैं भी वैसे ही देख रहा था, 50 पे लॉक है राहुल मेरी, मैं भगा नहीं रहा, डाकू भाई को आने देते हैं आराम से। हाँ हाँ मेरी भी PC भी खरीद लूंगा जल्द स्किल भाई, चलो फिर तो सही है। सी सी क्रूज कंट्रोल सी,
भाई एग्जाम्स खत्म हो गए, 11th का रिजल्ट। हाँ मैंने पढ़ लिया था कैसे बंद होगा तेरा मेरा? कमेंट, जो वापस वो दबाओ ना पी के बगल में दो बटन होंगे वो इंडिकेटर वाले हैं, कीबोर्ड में देखो। अरे यार इतना टाइम खेले हो भूल गए क्या सब? अरे भूल गए भाई अब। ये दबाओ लॉन्ग बीम हो जाएगी आपकी। बस आ जाओ इधर बता देना फिर मैं भगाना शुरू करूँ। बस तो राइड खत्म होने ही वाली है। अबे भाई अरे पहुंच जाएंगे डाक भाई, टीडीएस टू पैचिंग हो रहा है भाई जी, खत्म होते ही आपको ज्वाइन करता हूँ। देख ले जल्दी आ जाना भाई, क्योंकि ये शायद हमारी आखिरी राइड हो, देखते उसके बाद एक और कर लेंगे। चलो तुम लोगों से। हेलो सुयश कैसे हो यार? अरे बड़ा अंधेरा इधर तो यार, यारों तो डाक सिंगल भाई वे बना रखी थी इन लोगों ने। 50 पे भी नहीं पकड़ पा रही है हमारे ट्रक को, हद है यार। अरे भाई वन वे था मेरा, वो सामने गाड़ी आ गई तो गलत घुसा होगा तो यही होगा। आया मैं भाई आपका बिग यार फैन हूँ। तो, अरे यार सुयश भाई बोलो बस। अरे हम बहुत पीछे था आजकल भाई। 90 की स्पीड लिमिट है, हम चला रहे हैं 500 है। बताओ यार पैदल वाले बंदे तेज निकल रहे हैं मेरे से। दिख गए स्कूल क्रश है तुम तो, नाम आ गया मैप पे। बस फिर आ जाओ तुम्हें पकाना तो बता देना। राहुल एक छोटी सी राइड लगाइए इसके बाद 100 किलोमीटर तक की, ठीक है? ज़्यादा लंबी नहीं। तो मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है कि हम लोग गेमिंग न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे। भाई कौन पढ़ता है गेमिंग न्यूज़पेपर आजकल? एक बात बताओ, लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तुम गेमिंग न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो? भाई आजकल पढ़ते हैं लोग ब्लॉग्स, वेबसाइट्स। स्पोर्ट्स कीड़ा पता है? स्पोर्ट्स कीड़ा देखो, वो सब पढ़ना प्रेफर करते हैं लोग, छोटी छोटी हेडलाइंस, शॉर्ट्स। बहुत ही गंदा आइडिया है। पता है एवन, चल 97 का एक बात बताओ यार चाहित, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो? ये बताना बस। डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे? यो इल्यूजन कैसा है, वेलकम टू द स्ट्रीम। केंचो अरे मजा मा मजा। चल भाई एक शार्ट आउट दे दो, इतने दिनों बाद आया। बिल्कुल मधुर को मेरी तरफ से बड़े वाला अल्टीमेट वाला शार्ट आउट, एंड राहुल को भी हेलो बोल देना। ओके राहुल तेरे को मधुर हेलो बोल रहा है। मधुर भाई है क्या? हेलो हेलो मधुर भाई, मधुर कृष्णा है ना? हाँ हाँ याद है। हाँ रील्स बनाऊं भाई गेमिंग के न्यूज़ में, ये कहूँगा। हाँ ये आइडिया फिर भी अच्छा है, आई लाइक दिस आइडिया वेरी नाइस। क्या कोई करेगा। आ रहे हो या फिर नहीं यार? हाँ हाँ पीछे ही है आपके। अच्छा पीछे ही है क्या, फिर ठीक है। ठोकना मत बस मेरे को, 87 किलोमीटर रहता है अपना। ज़्यादा ही अंधेरा नहीं हो गया अब? तुम यार फ्री फायर खेलो ना, एयरटेल पे फ्री फायर मैक्स अवेलेबल है। हाँ सुयश फ्री फायर मैं खेल लेता हूँ कभी कभी, भूया पे ज़्यादा नहीं खेलता, मेरे को आता भी नहीं, प्लस मेरे को उसमें मज़ा भी नहीं आता। लाइट तो ऊपर उसमें कर लो स्कूल भाई, आपका टीपर पे भगाओ ना स्कूल करो सर। कर तो रखी है मैंने। अरे मेरे लिमिट में चला रहा हूँ डाकू भाई मैं, आप आगे निकलो, मैं 80 से ऊपर नहीं जाने वाला। पैसे कटेंगे ना मेरे पे। पैसे कट जाएंगे ना, आप लिमिट पे चल चला रहे हो। आप निकालो साइड से, आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। भाई आज ही शीम को स्लो पैचिंग, दिमाग खराब आपके साथ खेलना था। अरे कोई नहीं यार इट्स ओके, कल भी शीम करूंगा, कल आ जाना, कल कुछ गेम देख लेंगे। एक तो राहुल का चैनल सर्च करो, जंगल चीजें दिखाता है, और आप भी उनके चैनल का नाम नहीं बताते। अरे वो नाम चेंज कर रहा है, चाहे जल्दी अपना नाम चेंज करेगा राहुल अपने चैनल का, तो फिर तुम लोगों को उसका नाम आराम से मिल जाएगा। टार्जन तो वैसे भी नहीं दिखाएगा यार, टार्जन तो मंडर कार आ जाती है टार्जन सर्च करने में यूट्यूब पे। और उसकी भी डाक में वो वाली वीडियो आती है जो स्क्रैप वाली गाड़ी जिसका पेंट उतर रहा है कुछ। डीएस कहलो ओके टेक्सचर, यार मच्छर काट गए पैर में मेरे और ट्रक चलाना वही पड़ता है। वही बहुत गंदा मच्छर काट रहे मुझे पंखे, भी पंखे में यार आजकल मच्छर इतने स्मार्ट हो गए हैं, पंखे में भी भाई कैसे उड़ लेते हैं।
डाकू भाई है क्या? मच्छर इवॉल्व हो रहे हैं गाइस, मच्छर बहुत इवॉल्व हो रहे हैं। पहले क्या होता था, फैन ऑन करने पे मच्छर नहीं काटते थे वो ना, मतलब उनके जो पंख हैं इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं होते थे कि वो इतनी हवा हैंडल कर पाए। अभी भाई वो इतना हवा झेल झेल के वो भी बफ हो गए मच्छर। ये एंड प्ले का क्या कुछ है इन्फॉर्मेशन हमको दे दो। बिल्कुल इल्यूजन बिल्कुल देंगे। चलो मैं डेफिन कर रहा हूँ, तुम लोग को बार बार एक ही चीज ना सुननी पड़े, ठीक है? तो इल्यूजन एंड प्ले क्लाउड गेमिंग सर्विस है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पोटैटो पीसी है और आप साइबर पंग या जीटे टाइप गेम खेलना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए सही सर्विस है ये। आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा वीकली 15 दिन का या फिर 30 डेज का, या फिर आर्ली बेस भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एंड उसमें आपको एक वर्चुअल मशीन मिल जाएगी, मतलब एक वर्चुअल कंप्यूटर मिल जाएगा जिसके स्पेक्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा है, 1660 सुपर मिल जाएगा, 12 GB रैम, 400 GB SSD। तो इन सब आइटम्स के अकॉर्डिंग जब आपको मशीन मिलेगी उस पर आप अपने गेम्स डाउनलोड करो और खेलो। तो ये फ़ोन पे भी चल सकते हैं आपके, अगर आपके पास पोटैटो पीसी है उस पे भी हो जाएगा सारा काम। तो ये एक तरह से क्लाउड गेमिंग सर्विस है, आई होप समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया तो मेरे को बताओ। और ये इंडिया की फर्स्ट क्लाउड गेमिंग सर्विस है एंड प्ले। इसको काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, मतलब 2-3 महीने से तो मैं देख ही रहूँगा। अरे उसका डेडिकेशन लेवल देख रहे हो, तेज हवा में भी खून पीने आ रहे हैं। वही तो यार हिमांशु भाई देख रहो, बफ हो गए हैं भाई मच्छर। क्लाउड गेमिंग समझ गई है, सल्यूशन क्लाउड गेमिंग है। और मेरे हिसाब से अभी से अभी के हिसाब से प्राइजेज भी बहुत सही हैं। और ये जो मैंने कोड दे रखा है 20 Skull 20, इससे 20% डिस्काउंट मिल जाता है, तो अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो यार। आई एम बैक। अरे मैं बताता हूँ, मैं समझ गया कि तूने क्या किया है, इसलिए तुझे घटिया लग रहा है, मैं समझ गया। इसमें रे ट्रेसिंग नहीं है भाई राव, क्या कहते हैं अमन। हाय सुयश भाई, मैं तो आपको 3 बार हेलो बोल चुका हूँ। मोड पैक होगा आपने लिया है क्या एंट प्ले? मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली है शर्विक, तो मेरे को 7 डेज का ट्रायल पीरियड भी मिला है। देखना चाहते हो तुम लोग तो मैं दिखा सकता हूँ तुम लोगों को, अभी एक बार ये राइड का तो मुझे उसके बाद दिखाता हूँ, ठीक है? तो लगानी है इसमें जॉब RTX 3080 लेके भी ट्राई करूँ फिर तो। देख इल्यूशन वर्चुअल मशीन का काम ये नहीं होता कि भाई अगर हमारे पास एक हाई एंड पीसी है तो मेरे लिए वर्चुअल मशीन इंपॉर्टेंट नहीं। अगर कुछ काम है तेरा, कुछ लेट्स से प्रोफेशनल वर्क है जिसमें तेरे को चाहिए एक वर्चुअल मशीन, या फिर तू माइनिंग करना चाहता है, कुछ ऐसा एक्सटेंड करना चाहता है, तो कर सकता है वर्चुअल मशीन। माइनिंग वर्चुअल पे सपोर्ट ही नहीं करेंगे यार, लेकिन वो महंगा पड़ जाएगा। डाकू कैसा आइडिया वैसे वर्चुअल मशीन पे माइनिंग? अरे होगी नहीं क्या वैसे अगर ट्राई करें तो? अरे तो वही है ना, फिर हमें वर्चुअल मशीन थोड़ी हैवी वाली लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि इसमें तो जितना हम सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना भाई उससे ज्यादा तो खर्चा हो जाएगा, वो तो वायबल नहीं होगा। माइनिंग पॉसिबल है तो अभी करने जाता हूँ। हार्डवेयर तगड़ा चाहिए ना इल्यूजन भाई, तो ग्राफिक कार्ड तगड़ा चाहिए फिर। अरे सर्वर पे माइनिंग चल रही है बस। आप सबका फेवरेट यूट्यूबर सिवाय स्कल क्रशर, अरे घुसाओ जल्दी। अब लगाएं इसमें भी एक और जॉब? नहीं नहीं बस आखिरी है, बोर हो गया बस। हो गई भैया आज की जॉब, 10-12 हज़ार कमा लिए और क्या चाहिए। 12-12 तो एक जॉब से मिल गए भाई। हेलो, मेरे को मिले हैं डाकू भाई 4,000 मिले यार, मुझे 5 काट दिए ना। तो मेरे बेटे 11,000 दिखा तो 11 रहा था यार वहां पे, वो मुझे भी 11 दिखा रहा था, काट लिए। मेरे को लगता है स्किल पॉइंट्स नहीं ना मेरे इसलिए। अच्छा मैं देख कर आया इसके प्लान, इल्यूजन सब दिखाता हूं तेरे को, ऑनशी में दिखाता हूं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। अरे चलो मैं गेम लीव कर रहा हूं डीसीपी, ठीक है? मजा आया लेकिन खेल चला, ये मेन आईडी बन गई है वैसे मेरी। बगमी कब खेलोगे? बगमी तो खेलते ही नहीं यार। पार्सेक किधर है मेरा? एक पार्सेक से हो जाता है इल्यूजन सब कुछ। प्लान्स तो चलो तेरे को दिखा दे, मैंने गाने बजाए ही नहीं। ये देखो ये मेरा वर्चुअल पीसी है, ठीक है? ये देखो ये मेरे को वर्चुअल पीसी मिल रखा है एंड प्ले का,
यहाँ पे मैं गेम चाहूँ तो कुछ भी खेल सकता हूँ, ब्राउजर यूज कर सकता हूँ, तो मस्त भाई, इतना परफेक्शन भाई, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ कुछ भी, इतना स्मूथ चल रहा है। तो ये होता है एक तरह से वर्चुअल पीसी। अभी मैंने गेम डाला था जेंशन इम्पैक्ट, वो चला ही नहीं यार। इसमें जेंशन इम्पैक्ट और कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं, बिकॉज कुछ चीज़ों को एडमिन एक्सेस चाहिए होता है ना, तो वो चीज़ें आप नहीं कर सकोगे इसमें। पता नहीं यार, ये मैं कंफर्म करना पड़ेगा, एक बार उनसे पूछ लूंगा कि एडमिन एक्सेस हर किसी को मिलता है या फिर जैसे कि मैं ट्रायल पे हूँ तो मुझे शायद इसलिए ना मिला हो। ये देखो ना, सॉरी दिस एप्लीकेशन कैन नॉट रन ऑन अ वर्चुअल अंडर अ वर्चुअल मशीन। भी आपके पास जो रेड ड्रैगन वाला माउस है वो कितने साल यूज किया? अरे वो तो बहुत सही चला यार मधुर, एक टाइम पे मैंने यूज करना बंद कर दिया था, एक साल तो आराम से चल गया था यार वो। तो ये रहे इनके प्लान्स, 1000 rupees फॉर 7 days, और मैंने 800 बोल दिया था गलती से, 1000 rupees फॉर 7 days, मतलब ट्रिपल लाइन, ऑलमोस्ट 2000 फॉर 15 days और 3000 फॉर 30 days, मतलब 100 रुपये। अगर 30 days वाले लेते हो तो उसमें फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ पर डे 100 पड़ गया ना, बाकी और तुम कोड अगर डालो तो और सस्ता पड़ जाएगा। ये है प्लान्स इल्यूजन, ये देख। प्रोसेसर भी मैं दिखा देता हूँ कौन सा मिलता है, माई कंप्यूटर है ना भैया, इसमें मिलता है जेनॉन गोल्ड 5200R CPU, 2.2 GHz पे, 12 GB रैम है, और 1660 सुपर मिलता है, सुपर 8 GB का है 1660, तो गेम्स हम सारे मस्त चल जाएंगे इसमें। 800 तो होगा इफ स्कल 20 यूज करेंगे तो। हाँ इल्यूजन, हाँ वही उतना ही पड़ जाएगा, 20% ऑफ मिल जाएगा ना, 800 ही हो जाएगा। मेरे दिमाग में 800 ही आ रहा था यार, तभी मैं सोचू यही है। अंशु भाई ये सारे एंट प्ले के प्लान्स हैं, और गेम्स भी इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे कि कौन कौन से सपोर्टेड हैं। रॉकेट लीग में डाउनलोड करूँगा एपिक से ना, रॉकेट लीग और GTA 5 तो खैर अब फ्री है नहीं, वरना किसी के पास अगर फ्री आईडी है तो बता देना मेरे को यार, GTA 5 की एपिक वाली, मेरे को बस टेस्ट करना है यार। मेरे पे और मेरा कोई और प्लान नहीं है, मेरे को खाली बस अपने इस पर टेस्ट करना है, मेरे पे ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 7 days का ही मिला ना, 2 दिन तो हो भी गए। किसी के पास अगर GTA 5 की आईडी पड़ी है फ्री वाली एपिक स्टोर वाली तो मुझे बता देना। अरे यार इसको चेंज करो भाई, ये ना थीम में कुछ इशू चल रहा है, तो लाइट ही कर देते हैं। वर्चुअल पीसी यूज करने का मजा ही अलग है यार, अलग ही फीलिंग आती है। पबजी पीसी चलेगा अर्नब? चल जाएगा यार, बिल्कुल आराम से चला देगा गेम, खतरनाक चलेगा इस पे। बट हाँ, बस वो लिमिटेड कुछ ना हो, एडमिन एक्सेस एक्सेस ना मांगे बस, बट मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए, स्टीम के गेम्स तो चल जाने चाहिए आराम से। मोबाइल में चलता है ये? हाँ अंशु भाई, पार्सेक को मोबाइल में डाउनलोड करना है बस, पार्सेक एक ऐप है, वो मुझे चेक करने दो मोबाइल में ये पार्सेक है कि नहीं है, मेरे हिसाब से तो है पार्सेक। PARSEC यार एंड्रॉयड में इसमें तो नहीं है यार, यार मोबाइल का सिस्टम पता नहीं कैसे होगा, मेरे को तो देखना, तो मैंने दे रखा है शायद से। एम्ब्रेस द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग एंड प्ले गिव्स यू एक्सेस टू फुल फीचर्ड हाई एंड कंप्यूटर गेमिंग एंड विंडोज ऑन अ डिवाइस। यार इसमें तो दिखा रहा है अवेलेबल ओनली ऑन, अच्छा एंड्रॉयड में होगा, इसमें अवेलेबल नहीं है एंड्रॉयड। अरे एंड्रॉयड भी तो दे रखा है इधर यार, फिर ये मोबाइल क्यों बना हुआ है इधर, मुझे ये समझ नहीं आया। पीसी में पीसी चला रहे हो? हाँ वही एचडी है। एक्सेस ऑल योर पीसी एप्लीकेशंस थ्रू हाईएस्ट, मोबाइल का भी टेस्ट करना पड़ेगा मेरे को, मोबाइल में चलता है ये? अंशु भाई कैसे चलेगा, क्योंकि मेरे को पार्सेक तो दिखा नहीं रहा, मैं पीसी में इसको एक्सेस करता हूँ थ्रू पार्सेक, और मोबाइल में पार्सेक मुझे दिखा नहीं रहा।
और भाइयों बंदे काम के लिए यूज मत करना, हाँ ट्रैक होता है भाई, क्योंकि हु नो सर, ये वर्चुअल मशीन है ना, कोई भी ट्रैक कर सकता है, कहीं तो कुछ डाटा जाएगा, तो उल्टा सीधा मत करना भाई। जेंशिन इम्पैक्ट मैंने डाला, और तुम लोगों को एक चीज दिखाऊं, रेडियो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी, मैं तुम लोग एक चीज दिखाता हूँ, तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे। ये मेरी वर्चुअल मशीन है, ये वर्चुअल मशीन है, तुम लोग प्रॉपरली देखो, ये वर्चुअल मशीन है, पीसी के अंदर पीसी चल रहा है, ब्राउजर खोला, ओकला लिखता हूँ, अब स्पीड देखना है, इंटरनेट की स्पीड देखना, तुम लोग झटका खा जाओगे यार, डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पे नहीं होगा, देखना पड़ेगा ना वही सॉल्यूशन, अब स्पीड देखना ये कितनी स्पीड दे रहे हैं एंट वाले, पता नहीं इस टाइम आएगी कि नहीं आएगी, स्पीड देखो भाई 800, भाई जिंदगी में मैंने इतनी स्पीड नहीं देखी, 800 Mbps की स्पीड आ रही है भाई, 1 Gbps का इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं यार, 1 Gbps, अपलोड भी आएगी 400-500 मेरे हिसाब से तो। अरे अपलोड तो बढ़ी हमारी इस टाइम, मेरी आ रही थी 400 आ रही थी लास्ट टाइम अपलोड, इस टाइम अपलोड नहीं आ रही, बट डाउनलोड भाई खतरनाक, मैंने स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, वाह भाई शॉकिंग, अपलोड नहीं आ रही यार इस टाइम बिल्कुल भी, एक बार और टेस्ट करते हैं, डाउनलोड तो आ रही है खतरनाक, मजा आया यार यूट्यूब चला कर देखूं 4K पे, अरे यार यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता ना मैं, मतलब 4-5 ms की पिंग वैलो की मुंबई में सर्वर है तो इल्यूजन ये वैलो के लिए नहीं बना, वर्चुअल मशीन ऑब्वियस ही बात है, वैलो जो हो गया वो एक FPS गेम है, उसको अपने PC पे खेलोगे वही बेस्ट है, उसी बात है इसमें तो पिंग विंग ज़्यादा आएगी ना थोड़ी, क्योंकि सर्वर कहीं और का हो सकता है, जहाँ पे ये सर्वर पड़ा हुआ है वो कहीं और होगा, आपके घर से तो दूर ही होगा ना, उसको भी आप रीस्ट्रीम कर रहे हो एक तरह से अपने उस पे पोटैटो PC पे, इन शॉर्ट क्या था, एक बार बूया खोलता हूँ मैं, भूया पे अपने चैनल पे जाता हूँ और देखता हूँ क्वालिटी कैसी आती है लाइव स्ट्रीम की, सर्च करते हैं, नहीं नहीं छोड़ा मेरे साथ कोई और भी है। जैसे ये मेरी दिन वाली स्ट्रीम है ठीक है PC के साथ, ओ भाई जाना कहाँ है, वहां क्लिक करते ही चल रही है भाई, क्या स्पीड है यार, बचाने प्लेन फट गया अब से भाई YouTube में भाई वर्चुअल मशीन पे देखूंगा, इंटरनेट तगड़ा है भाई, बहुत खतरनाक इंटरनेट है यार, 800 MB मजा आ गया। ये भाई तो मेरी दिन वाली शीम है, जिनको नहीं पता सीरीज चल रही है बूया पे टॉम्ब रेडर की, तो अपन एंड करने ही वाले हैं, बहुत मजेदार गेम है यार, डिले होता है ना वर्चुअल मशीन में इसलिए FPS गेम्स इज नॉट बेटर, हाँ बट दूसरे गेम इल्यूजन खेल सकते हो मजे मारने के लिए, बहुत यूज है यार वर्चुअल मशीन के, ये तो बहुत बढ़िया लगा ये कॉन्सेप्ट, मतलब क्या ही बोले यार, मजा आ गया देख के, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा। 5G नेट स्पीड अंशु भाई 1 Gbps की स्पीड यार बहुत होती है, कितने MB का प्लान है, 1 Gbps का है करण, मतलब अराउंड 100 MB एक सेकंड में डाउन होगा मेरा, 100 MB, और 1 GB मेरा हो जाएगा यार, अब ये पता नहीं कैसे होगा, ये तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, चलो गाइज आज की सीमा बंद करते हैं ठीक है, अब मिलेंगे अपन कल, चलो गाइज अभी के लिए आपका स्कल भाई साइनिंग ऑफ, अरे इसके लिए चिकने यार इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा लेट हो गया थोड़ा यार, लो एंड PC में हो जाएगा, एंड्रॉयड गेमर भाई ये चीज़ बनी ही लो एंड PC के लिए, अगर आपके पास पटैटो PC है और आपको हाई एंड गेम्स खेलने हैं तो आप वर्चुअल मशीन यानी क्लाउड गेमिंग पे जाके आप गेम्स खेल सकते हो, क्लाउड गेमिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो PC है ना क्लाउड में है कहीं, आप स्ट्रीम कर रहे हो किसी दूसरे PC से अपने डिस्प्ले पे, बस समझ गए, लो एंड PC के लिए ही है, चलो गाइज बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल, अभी के लिए आपका स्कल भाई साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय मातरम, बाय बाय।